हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओडिशा स्कूल क्लासेस। तो आज क्लास रे आमे पढ़ीबा तमरो सरल सह समीकरण अनुशीलनी 1C करिबा। आ प्रीवियस क्लास रे हमर अनुशीलनी 1B सरी जाय छी, जोथरे कि तमरो जहां सब थिला अनुशीलनी 1B रो तमरो क्वेश्चन आंसर तो से सब हमर सरी छी। जदि तमे से क्लास सब देखिना ताले तमको हमर चैनल रे क्लास मिलि जिवो, तमे चाहिले चेक करि परिबो। ठीक अछि, तो आज क्लास स्टार्ट करिबा। ताहले देखो तुम्हारे अनुशीलनी 1C रो एक नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी। एक नंबर क्वेश्चन तुमको देखिए, दुईटी संख्यार जोगफल देखिए तुमको 137 और सेमानकर वियोगफल देखिए तुमको 43। तेबे संख्या देय केते तुमको सेटा पचारछि, ताहले आपको आमे केमिति करबा देखो। एटा बहुत सहजटे, तुम केवल मन देकि देखो, थारे बुझिगले तुम्हें मध्य निजे करिपरिबो। ठीक अछि, ताहले आर आंसर करबा। ताहले देखो आमको पचारछि कौन संख्या दुए पचारछि, ताहले तुमको जहाँ पचारि थिबो मन रख, जहाँ तुमको पचारि थिबो तुम्हें से याकु ही मने कर नै जिवो। ताहले आमे एठी नै जिबा, मने कर संख्या दुए, जो संख्या दुए आमको पचारछि तो से संख्या दुए को आमे नै जिबा, मने कर नै जिबा। केते नबा मने कर, एक्स नै जिबा ओ वाई नै जिबा, एक्स आ वाई नै जिबा। ताहले एबे देखो आमको, ताहले ए जो एक्स वाई आमे नै गले, ताहले ए जो संख्या दुईटर जोगफल आमको देछि 137, ताहले सेटा लेखि दियो प्रश्न अनुसार। आमको एटा प्रश्न रे देछि कि नै, प्रश्न अनुसार कौन देछि, प्रश्न अनुसार दुईटी संख्यार जोगफल 137 माने एक्स आउ वाई जोगफल। तो प्रश्न अनुसार एक्स प्लस वाई इक्वाल टू आमर देछि क्वेश्चन रे 137। एटा सरला, तापर वियोगफल केते देछि, वियोगफल 43 देछि। तो एक्स माइनस वाई इक्वाल टू देछि केते 43 देछि। ताहले एबे देखो आकु आमर समाधान करि परबा, केमिति समाधान करबा देखो, आकु जदि आमे जोग करदबा तो एठी लेखि दियो जोग कले। आम ये कहीं जोग कले बुझिपार कि ना, आमर ये आगुरी ही ये अच्छे प्लस ये अच्छे माइनस, जोग कले आम यहाँ कटिजी। जदि आम एका सैन था आम वियोग करते, वियोग करते आम सैन चेंज होकर कटि था। ये तो आम आगुरी ही प्लस ये माइनस अच्छी, तो जोग जेहेतु आम करदे तो कटिगला वाई माइनस वाई कटिगला। ताहले एक्स प्लस एक्स के 2x, तो 2x इक्वाल टू 137 रे 43 मिसाइ दि, 137 रे 43 मिसले के तुम हो 180, 180 होची कि नहीं। ताहले एक्स इक्वाल टू केते बाहर को, एक्स इक्वाल टू 180 बाय 2। ए 2 टा एक्स संगे गुणी होगी थी, तो एपट को आसला आमर हरीगला, तो 180 बाय 2 जे आमर बाहरी गला 90। ताहले एक्स रा भैल्यू आमे पाइगले, ताहले वाई रा भैल्यू आमे एबे आराम से पाइजिबा। तमे ए जो एक्स रा भैल्यू को 90 को ए एक्स प्लस वाई रे पकेदेले आमर वाई रा भैल्यू बाहर जिबा, तो सेटा लिखी दियो एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 137, जोटा कि आमको क्वेश्चन ने देची। तो इम्प्लाइज दैट एक्स जगह 90 पके दियो, तो 90 प्लस वाई इक्वाल टू 137। तो इम्प्लाइज दैट वाई बाहर जी कि नहीं, 90 को सेपटे नहीं फेड़ी दियो 137 रे, तो 137 माइनस 90, तो 137 माइनस 90 जे केते तुम हो 47। तो वाई बाहरी गला 47, एक्स आमर बाहर थिला 90, वाई बाहरी गला 47। तो एबे अत्यप लेखि दबो, अत्यप कोन लेखिबो, अत्यप संख्या द्वय। ताले संख्या द्वय कोन कोन हेले, गोटे हेला 90 आ गोटे हेला ओ 47। ताले देखिलो केते सहज, ताले तमे समस्त बुझी पारलो कि नै। ताले तापर आमे 2 नंबर करिबा। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख, तापर 2 नंबर क्वेश्चन देती, समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रय दैर्घ्य एक्स प्लस 4 सेमी, 4x माइनस वाई सेमी और वाई प्लस 2 सेंटीमीटर हेले बाहुर दैर्घ्य स्थिर कर। ताहले आमको देती जे बाहुत्रय दैर्घ्य दे देती, जोटा कि आमको एक्स आउ वाई आकार रे देती। ताहले आमको पचार जे बाहुर दैर्घ्य स्थिर कर। ताहले आमे एटे आकु केमिति बाहर करबा देख, ताहले प्रथमे लेखि दियो जोटा कि आंसर रे समबाहु त्रिभुजर बाहु त्रयर दैर्घ्य समान। ताहले जहाँ तुमको सब देछि तो सेटा लिखि दे समान, एक्स प्लस 4 सेमी, तापरे 4x माइनस वाई सेमी ओ
वाई प्लस टू सेमी। तेल प्रथम यहाँ लिखिदेव तेल आम जाचे समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य सामान गोटे समबाहु त्रिभुजर बाहू मानक दैर्घ्य सामान बोली आम जाचे कि नहीं तो सेटा लिखिदि समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य सामान जोटा कि आम जाचे तो सेटा लिखिबो बाहुत्रयर दैर्घ्य सामान। ताहले देख जेहेतु आमर समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य सामान ताहले आमे एबे कही परिबा ए जो आमको बाहुत्रयर दैर्घ्य देइछि ताहले एमाने सब सामान बोली आमे कही परिबा। ताहले सेटा लिखि दे इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस फोर इक्वाल टू तापरे कौन फोर एक्स माइनस वाई जेहेतु समबाहु त्रिभुजर बाहुत्रय माने सब कि नहीं ताहले जेहेतु आमे जानिछे सामान बोली ताहले आंकु आमे सामान करि परिबा तो फोर एक्स माइनस वाई इक्वाल टू y प्लस टू। ताहले एबे आकु तमे केमिति समाधान करिबो मु तमको कहितिलि केमिति समाधान करिबो आकु आ संगे समाधान करिबो तापर पुनी आकु आ संगे समाधान करिबो। ताहले प्रथमे आमे फास्ट आकु आकु नै जिबा तो सेटा लेखि दियो x प्लस फोर इक्वाल टू फोर एक्स माइनस वाई त इम्प्लाइज दैट फोर एक्स को एपट को नहीं आस तो x माइनस फोर एक्स हो गला तापर प्लस फोर को प्लस फोर सेमती रख माइनस वाई को भी एपट को नहीं आस जोटा कि प्लस वाई हो गला तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस फोर एक्स जे आमर केते जोटा कि माइनस थ्री एक्स तो माइनस थ्री एक्स प्लस वाई प्लस फोर इक्वाल टू जीरो तो यहाँ को दे दियो इक्वेशन वन दे दियो। ताहले पुणी आ संगे आपको समाधान कर दियो तापरे देख आ संगे आपको नहीं जाओ तो फोर एक्स माइनस वाई इक्वाल टू वाई प्लस टू तो इम्प्लाइज दैट फोर एक्स देख ये अच्छे माइनस वाई ये अच्छे वाई तो माइनस वाई वाईटा को एपट को नहीं आस जोटा कि माइनस वाई हो माइनस वाई के माइनस वाई सेमती रख ए वाईटा को एपट को नहीं आसला जोटा कि माइनस वाई होगा तापर टू को सेपट को नहीं जाओ तो माइनस टू होक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वाल टू जीरो तो यहाँ को दे दियो इक्वेशन टू दे दियो। ताहले एबे देखो आम इक्वेशन वन आउ टू को समाधान करदे तो ताहले देखो आम एबे समाधान करदे जोटा कि केमिति समाधान करिबा वन आउ टू र एक्स आउ वाई सहग समान करके आम समाधान करिपरिबा। ताहले देखो ये वाई सहग वन अच्छी ये माइनस टू अच्छी ताहले ये वाई सांगे आम टू गुणीदबा माने वाई सांगे टू गुणीबा माने इक्वेशन वन रे टू गुणीदबा तो टू इंटू इक्वेशन वन तो इम्प्लाइज दैट इक्वेशन वन रे टू गुणी दि तो यहाँ होते माइनस सिक्स एक्स प्लस ये टू वाई तापर प्लस फोर रे टू गुणिले आमर है एट तो इक्वाल टू जीरो आम कि गुणवा दरकार ना कहीं अच्छे टू वाई ये अच्छे माइनस टू वाई कटिज तो कि गुणवा दरकार ना तो वन इंटु इक्वेशन टू तो इम्प्लाइज दैट जहाँ अच्छे से लिखिदि जोटा कि फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इक्वाल टू जीरो ताको आम ए कौन करवा जोग करवा कहीं अच्छे प्लस सैन ये अच्छे माइनस सैन आम सैन चेंज करवा दरकार ना तो से आम ये जोग करदे ठीक अच्छे। ताहले जोग कर दियो जोग कर देले टू वाई माइनस टू वाई कटिगला माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स जे के माइनस टू एक्स तापर एट माइनस टू जे के सिक्स तो एट माइनस टू होगा सिक्स जोटा कि जीरो तो इम्प्लाइज दैट माइनस टू एक्स इक्वाल टू सिक्स को अच्छी सिक्स को सेपट को नहीं जापट को नेले माइनस सिक्स हो तो माइनस माइनस कैनसल तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वाल टू बाहरी गला सिक्स बाय टू इक्वाल टू थ्री बाहरी गला। ताहले एक्स रैल्यू आम थ्री पाईगले ये जो एक्स रैल्यू को वन कि टू जो थ्री पकईदे आमर वाई रैल्यू मिल जाए एवं से लिख एक्स रान इक्वेशन बा समीकरण वन रे प्रयोग कले ताहले एबे आमे एक्स रा भैल्यू को इक्वेशन वन रे पके दबा तो देख माइनस थ्री एक्स तो एक्स जगह रे थ्री पके दबा ये जो एक्स जगह रे आमे थ्री पके दबा तो माइनस थ्री इंटू थ्री तापरे जहाज से लिखिद प्लस वाई प्लस फोर इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट माइनस थ्री इंटू थ्री जे के माइनस नाइन तापरे प्लस वाई प्लस फोर इक्वाल टू जीरो
त इम्प्लाइज दैट वाई को वाई सेमती रख माइनस नाइन प्लस फोर जे के माइनस फाइव तो वाई माइनस फाइव इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट वाई बाहरी गला आमर फाइव ताहले एबे आमर बाहुर दैर्घ्य बाहरी जीव तुम्हें जो थी भी हेले गोटे भैल्यू पकई दियो एक्स जगार एक्सर भैल्यू पकई दियो कि वाई जगार वाई रैल्यू पकई दियो कि एक्स आउ वाई जगार दुईटा जगार भी भैल्यू तुम्हें पकईकी जार गोटे हेले बाहर करदे से समबाहु त्रिभुज जेहेतु तीन टा जाक बाहु सामान हम तो एक्स प्लस फोर देख एक्स प्लस फोर इक्वाल टू एक्स जगार एक्सर भैल्यू पकई दियो तो थ्री प्लस फोर इक्वाल टू सेभेन सेमी तो जेहेतु सेभेन सेमी बाहरी गला आमर गोटे बाहुर दैर्घ्य जेहेतु ये समबाहु त्रिभुज तो तीनोटी जाक ही से सेभेन सेमी हम तुम्हें चाहिए पकईकि भी देखिपार तो वाई प्लस टू तो वाई जगार फाइव बाहर फाइव प्लस टू जे केभेन एटी भी सेमती एक्स आउ वाई रैल्यू पकेले भी से सेभेन ही बाहर तेल तुम समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य के जोटा कि बाहर सेभेन सेंटीमिटर तेल अतेप्रे लिखिदेव अतेप समबाहु त्रिभुजर बाहुर दैर्घ्य हूँ केभेन सेंटीमीटर जोटा कि यहाँ हूँ तुम आंसर जोटा कि सेभेन सेंटीमीटर ताहले समस्ते बुझीपार तो तीन नंबर करवा तो तापरे तीन नंबर क्वेश्चन देख तीन नंबर क्वेश्चन देखिए एबीसीडी आयत क्षेत्र एबी देखिए तुमको थ्री एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर बीसी देखिए थ्री एक्स प्लस टू सेंटीमीटर सीडी देखिए थ्री वाई माइनस टू एक्स सेंटीमीटर आउ डी ए देखिए वाई प्लस थ्री सेंटीमीटर हेले आयत क्षेत्र क्षेत्रफल तुमको पचार देख एटा भी तुम बहुत सहज ताहले प्रथमे लिखी दियो ए बी सी डी आयत क्षेत्र रे तो ए बी सी डी आयत क्षेत्र रे हमको कौन सब एबी दे दे थ्री एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर थ्री एक्स प्लस वाई सेंटीमीटर तापरे बी सी दे दे जोड़ा कि थ्री एक्स प्लस टू सेंटीमीटर तापरे सीडी देची केते सीडी देची थ्री वाई माइनस टू एक्स सेंटीमीटर ओ डीए देची वाई प्लस थ्री सेंटीमीटर ताहले आमे कौन जानचे आमे जानचे जे आयत क्षेत्रर आयत चित्रर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान बोली आमे जानचे तो सेटा लिखि दियो प्रथमे आयत चित्रर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान बोली आमे प्रथमे लिखिदबा तुम समस्ते जानथिबो एटा आयत चित्रर विपरीत बाहुर दैर्घ्य समान ताहले देख ए बीर विपरीत बाहु ताहले किए कह ए बीर विपरीत बाहु हूँ आमर सी डी देख जब तुम कन्फ्यूज हो कहार किए विपरीत बाहु ताहले तुम चित्र करदे चित्र करदे आउ तुम कन्फ्यूज हेबनी ताहले देख मुकू मानक नेली ए एडा नेली बी एडा नेली सी एडा नेली डी ताहले ए बीर विपरीत बाहु किए सी डी ताहले से लिखि दियो ए बी इक्वल टू सी डी ओ ए बी इक्वल टू सी डी ओ बी सी इक्वल टू ए डी ताहले से लिखि दियो ओ बी सी इक्वल टू ए डी तो इम्प्लाइज दैट ए बी रा वैल्यू पुट कर दियो ए बी रा वैल्यू केते थ्री एक्स प्लस वाई तो थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी डी रा वैल्यू थ्री वाई माइनस टू एक्स थ्री वाई माइनस टू एक्स तो यहाँ गोटे है तापरे ओ बी सी रा वैल्यू केते बी सी रा वैल्यू होची थ्री एक्स प्लस टू तो थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ए डी रा वैल्यू होची वाई प्लस थ्री ताहले एबे आकु सब समाधान कर दियो तो इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स प्लस वाई माइनस थ्री वाई को सेपट को नहीं जाओ तो माइनस थ्री वाई हो माइनस टू एक्स एपट को आसे प्लस टू एक्स हो इक्वाल टू एपटे रहा जीरो तापरे ओ आकु भी सेमती सब एपट को नहीं आसो वाई प्लस थ्री के ओ थ्री एक्स प्लस टू वाई एपट को आसे कौन हम माइनस वाई थ्री एपट को आसे हम माइनस थ्री तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट थ्री एक्स प्लस टू एक्स जे के फाइव एक्स वाई माइनस थ्री वाई जे के माइनस टू वाई तो इक्वाल टू जीरो ओ एटा सेमती थ्री एक्स एटी आमर एक्स ही नहीं तो केवल रहा थ्री एक्स माइनस वाई टू माइनस थ्री जे माइनस वन इक्वाल टू जीरो आम दुईटी इक्वेसन पाईगले तो यहाँ को दे दियो तुम इक्वेसन वन दे दियो एटा को दे दियो इक्वेशन टू ताहले एबे आमे इक्वेशन वन आउ टू को समाधान करि परबा केमती समाधान करबा देख एठी अछि वाई रो सहग माइनस टू एठी अछि वाई रो सहग माइनस वन ताहले एथिरे गोटे आमे टू गुणी देबा टू गुणी देले आमर वाई रो सहग समान हे जइबो तो सेटा लेख वन इंटू इक्वेशन वन इक्वेशन वन रे किछु गुणीबा दरकार नै तो फाइव एक्स माइनस टू वाई इक्वाल टू जीरो तो इक्वेशन टू रे आमे टू गुणीबा तो टू इंटू
इक्वेशन टू तो इम्प्लाइज दैट टू इंटु थ्री एक्स जे के सिक्स एक्स टू इंटु माइनस वाई जे माइनस टू वाई टू इंटु माइनस वन जे माइनस टू इक्वाल टू जीरो एठी अच्छे माइनस साइन ये अच्छे माइनस साइन तो आपको आम वियोग करदे वियोग कले साइन चेंज हो तो वियोग कले तो सबुर साइन चेंज कर दिए ये प्लस अच्छे माइनस हो गला ये माइनस अच्छे ये प्लस हो गला ये भी माइनस अच्छे ये प्लस हो गला तो माइनस टू वाई प्लस टू वाई कटिगला तो फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स जे के माइनस एक्स तापर प्लस टू अच्छे तो माइनस एक्स प्लस टू इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स इक्वाल टू प्लस टू को सेपट को नहीं जाए जोटा कि माइनस टू हो तो माइनस माइनस कटिगला एक्स बाहर आमर टू तेल एक्स रैल्यू आम टू पाईगले आम जो एक्स रैल्यू को इक्वेशन वन कि टू जो थे पकईदे वाई रैल्यू आम पाई कि ना तो ये आम से जोटा कि एक्स रैल्यू को आम इक्वेशन वन पकईद तो सैटा लिखीद एक्स रान इक्वेशन वन प्रयोग कले ताल एक्स रान को आम इक्वेशन वन पकईद तो एक्स रान जोटा कि इक्वेशन वन कौटा फाइव एक्स माइनस टू आई तो फाइव इंटु टू फाइव इंटु टू एक्स जगार आम टू पकईदे तो फाइव इंटु टू माइनस टू वाई इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट टेन माइनस टू वाई इक्वाल टू जीरो कौन हम इम्प्लाइज दैट टेन इक्वाल टू माइनस टू वाई सेपट को पलैले टू वाई हो तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वाल टू के बाहर टू को लेकिन टेन हरीद तो टेन बाय टू हूँ आमर फाइव तो एक्स बाहरीगला टू वाई बाहरीगला फाइव तेल आम जानचे आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सूत्र कौन लिखा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल मुझे खाली क्षेत्रफल लिखिदे सर्ट्रे तुम्हें लिखा आयत क्षेत्र क्षेत्रफल आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सामान आमर कौन दैर्घ्य गुणन प्रस्त मान ए बी हूँ आम दैर्घ्य बी सी हूँ तुम कौन प्रस्त तो सैटा लिखीद ए बी इंटु बी सी तो ए बी रैल्यू पकई दि ए बी रैल्यू आमर के भैल्यू हूँ देख ए बी आम ए बी हूँ थ्री एक्स प्लस वाई तो थ्री एक्स प्लस वाई मान देख यहाँ सेमती रखीद थ्री एक्स प्लस वाई इंटु बी सी रैल्यू के बी सी रैल्यू हूँ थ्री एक्स प्लस टू तो थ्री एक्स प्लस टू तो इक्वाल टू एवं एक्स आउ वाई रैल्यू आम पाई तो एक्स आउ वाई रैल्यू पकई दि तो थ्री इंटु एक्स जगार टू पकाओ तापर प्लस वाई जगार फाइव पकाओ ब्राकेट रख इंटु थ्री इंटु एक्स जगार टू पकाओ तापरे प्लस टू तो इक्वाल टू थ्री इंटु टू जे के सिक्स सिक्स प्लस फाइव जे आमर इलेवेन तो इलेवेन इंटु यटा सेमती थ्री इंटु टू जे सिक्स सिक्स प्लस टू जे एट तो इलेवेन इंटु एट जे के इलेवेन इंटु एट जे हूँ आमर के जोटा कि लिख वर्ग सेंटीमीटर तेल यही हूँ तुम आंसर तेल अतीप लिखिदेव अतीप आयत क्षेत्र क्षेत्रफल के अठाशी वर्ग सेंटीमीटर तेल समस्त बुझीपार तो आम चार नंबर करवा तो तापरे चार नंबर क्वेश्चन देख दे दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या तहार अंकद्वयर जोगफल चारि गुण मान दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या अच्छी जोटा कि कौन तार अंकद्वयर जोगफल चारि गुण तापरे किंतु संख्याटी अठर जोग कले से अंकद्वयर स्थान बदली जाए तेज संख्याटी के ताहले देख एटा मन देखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे भी तुम एग्जाम भी आसीपे तो देख प्रथम आम नहीं मनेकर मनेकर संख्याटीर आम जो संख्याटीर गोटे हूँ एकक घर गोटे हूँ दशक घर तेल से लिखिद संख्याटीर दशक ओ एकक स्थानीय अंक को आम कौन नहीं जीवा एक्स आउ वाई नहीं जीवा तो एकक स्थानीय अंक यथाक्रमे सामान यथाक्रमे कहीं लिखले कहीं दशक को आम नवा के एक्स नवा एकक को नवा वाई नवा बुझिपार्च ताल आम यहाँ अंक ने मत संख्याटी के हम कह बहुत पिला ये कन्फ्यूज हो जाती पिले जो पिलाने कहीदिंट आमर जेहेतु अंक है एक्स वाई पिलाने कहीदिं संख्याटी हूँ आमर एक्स वाई आउ केत पिला कहीदी एक्स प्लस वाई एमती सब कही था कि दीटा जाक ही तुम रंग हम कहीं रंग हम कहीं देख यहाँ हूँ आमर दशक घर आ जेहेतु दशक घर
तो मोर एक्स रे टेन गुणा हम आम दशक घर माने कौन दस आम एकक घर एक दशक घर दस शतक घर शहे तुम यह सब तो जाच तेल से जेहेतु दशक घर दशक स्थानीय अंक हूँ आम एक्स तेज़ से एक्स रे आम टेन एक्स लिखा हे एक्स को टेन रे गुणा होकर आम संख्याटी लिखा हे टेन एक्स प्लस वाई लिखा हे ठीक अच्छे तेल बुझीपार संख्याटी आम टेन एक्स प्लस वाई कहीं कहीं जेहेतु ये दशक घर एक्स रे टेन गुणा है आउ वाईटा जो एकक घर से संख्याटी तुम टेन एक्स प्लस वाई हम के गुणन करें सब मिशाण कर जोटा कि टेन एक्स प्लस वाई कहीं तुम्हें यहाँ छोट क्लास पढ़ी थो मनकर तुमको जन पचार ट्वेंटी थ्री को आम कमी लिखी थाए ट्वेंटी थ्री के आम लिखि थाए कि नहीं ट्वेंटी प्लस थ्री बोली लिखि थाए जोटा कि आम जब विस्थापन जो करमी आम विस्थापन करवेंटी प्लस थ्री लिखिक विस्थापन करें प्लस रू सैन रही कि बहुत पिला ये कन्फ्यूज हो जाती ये इंटू सैन रखिदिं तुम्हें प्लस रख जोटा कि टेन एक्स प्लस वाई रख ठीक अच्छे तेल संख्याटी केमी बाहर बुझीपार तापर आमको क्वेश्चन कौन दे देखे क्वेश्चन तुमको देचे से जो दुई अंक विशिष्ट संख्याटी तार अंकद्वयर जोगफल चारिगुण तेल से लिखिद प्रश्नानुसार आमको कौन दे दुई अंक विशिष्ट से ही संख्याटी मानने संख्याटी आम टेन एक्स प्लस वाई बाहर तो टेन एक्स प्लस वाई कहा सागे सामान दे तार अंकद्वय अंकद्वय एक्स आउ वाई रोगफल दे एक्स प्लस वाई तापर दे जोगफल चारिगुण मानने एक्स प्लस वाई रिगुण तो एक्स प्लस वाई रिगुण बुझिपार तो इम्प्लायज दैट आपको समाधान कर दियो टेन एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फोर को ये गुण दि फोर को वाई गुण दि फोर को एक्स गुण फोर एक्स वाई गुण फोर वाई तो इम्प्लायज दैट टेन एक्स प्लस वाई आपको सब एपटक नहीं आसवा तो माइनस हो माइनस फोर एक्स माइनस फोर वाई इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट टेन एक्स माइनस फोर एक्स जो हूँ सिक्स एक्स वाई माइनस फोर वाई जे आमर हूँ माइनस थ्री वाई तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट तो एथर आम थ्री कमन नहीं पार तो थ्री कमन नहीं जाओ थ्री कमन ने रहा टू एक्स ये रहा माइनस वाई तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट टू एक्स माइनस वाई इक्वाल टू जीरो बाय थ्री थ्री टा आने जीरो हरीदे जेहतु आ सागे ये गुणी होता तो यपटक आसे कौन हरी जोटा कि जीरो बै थ्री हो तो इम्प्लायज दैट टू एक्स माइनस वाई इक्वाल टू जीरो बै थ्री जे जीरो तो यहाँ तुम बाहरी गला इक्वेसन वन तो तापर आमको आउ गोटे जोटा कि यही धाड़ीटा पढ़ कितु संख्याटी अठर जोग कले अंकद्वयर स्थान बदली जाए तो आउ थे लेख पुनश्च पुनश्च प्रश्नानुसार पुणी देचे आमको किसी गोटे प्रश्न आउ गोटे लाइन दे तो पुणी कौन दे देख पुनश्च प्रश्नानुसार आमको दे संख्याटी अठर जोग हम माने टेन एक्स प्लस वाई रे आमर अठर जोग हम तो जोग कर दियो टेन जोटा कि टेन एक्स प्लस वाई प्लस अठर जोग हेले कौन हम अंकद्वयर स्थान बदली जाटा बुझिपार कि नहीं स्थान बदली जा मानने तुम दशक घरे जी थी एकक घर को पल आस एकक घरे जी थी दशक घर को पल देख संख्याटी हूँ आमर के टेन एक्स प्लस वाई यहाँ हूँ तुम संख्या यहाँ हूँ तुम दशक घर यहाँ हूँ तुम एकक घर तेल एटी आमको दे वाईटा दशक घर को पल आस तो वाईटा दशक घर को आसे टेन वाई हो तापर एटा सेम एक्सटा एक घर को गले खाली एक्स हो बुझीपार जोटा कि आम स्थान बदली गला तो यहाँ से लिख टेन वाई प्लस एक्स कहीं जेहेतु दे स्थान बदली गला तो आम से कौन टेन वाई प्लस एक्स हो बुझीपार ये तापर आम आपको समाधान करदे तो देख इम्प्लायज दैट टेन एक्स प्लस वाई प्लस एटीन आपको सब एपटक नहीं आस तो माइनस टेन वाई माइनस एक्स इक्वाल टू जीरो तो तापरे आपको आम समाधान तुम कर देख आम आपको एबे समाधान करदे तो टेन एक्स रु माइनस एक्स कले के नाइन एक्स तापरे वाई माइनस टेन वाई जे के माइनस नाइन वाई एटीन को एटीन रख तो एटीन इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट नाइन एथ्रु कमन नहीं जाओ तो नाइन कमन ने एक्स माइनस वाई तापर एथ्रु कमन गले नाइन कमन गले रू इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वाल टू जीरो बाय नाइन हो
नाइन टा सेपटे जाइए जीरो संगे हरीगला तो जीरो बै नाइन इक्वाल टू जीरो तो यहाँ बाहरी गला तुम इक्वेसन टू तेल एवं इक्वेसन वन आक्वेसन टू को समाधान करदे देख ये आम कि गुणवा भी दरकार नहीं कहीं ये माइनस वाई ये भी अच्छे माइनस वाई आम सहक सामान अच्छी तो आमर किसी गुणवा दरकार ना तो सीटा लिखिद जेहेतु किसी गुणवा दरकार ना तुम ता तल को सेमती लिखिपार तो टू एक्स माइनस वाई इक्वाल टू जीरो गोटे समीकरण आउ गोटे हूँ आम कौन एक्स माइनस वाई प्लस टू इक्वाल टू जीरो तेल आपको आम कौन करवा वियोग करदे तो वियोग कले तेल वियोग कले साइन चेंज हो माइनस ये प्लस ये माइनस तो माइनस वाई प्लस वाई कटिगला टू एक्स रु एक्स फेरले के एक्स जीरो माइनस टू जे माइनस टू तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट एक्स बाहरी गला टू ताले एटा आमर एक्स रो वैल्यू बाहर ला तो एबे आमे एक्स रो वैल्यू को इक्वेशन वन रे पकई दबा तो सेटा लिखि दियो एक्स रो मान इक्वेशन वन रे प्रयोग कले ताले एक्स रो मान को एबे इक्वेशन वन रे पकई दियो तो टू एक्स टू इंटू एक्स जगह टू पड़ा माइनस वाई इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट टू इंटू टू जे फोर फोर माइनस वाई इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट फोर इक्वाल टू माइनस वाई इपुर को पलि आसला प्लस वाई होगा तो फोर इक्वाल टू वाई मैंने वाई इक्वाल टू फोर तो एक्स बाहर ला टू वाई बाहर ला फोर ताले एबे संख्याटी तुम बाहर कर पार संख्याटी समान के संख्याटी आम के टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई नहीं आम संख्याटी तो इक्वाल टू टेन इंटू एक्स जगह एक्स रैल्यू टू पकाओ वाई रैल्यू फोर पकाओ तो टेन इंटू टू जे ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फोर जे आम बाहर संख्याटी ट्वेंटी फोर तो यहाँ हूँ तुम आंसर जोटा कि बाहर तुम ट्वेंटी फोर तालोले समस्ते बुझीपार कि नहीं चार नंबर जोटा कि तुम बहुत ही सहज किंतु तुमको टी मन दे कि बुझापी पड़े जब तुम टे अन्यमनक से तुम्हें कौ स्टेपटा भी मानते मनकर गोटे लाइन से तुम अन्यमनक से तो से लाइनटा तुम बुझीपार तुम मन में डाउट रही तो से केयरफुली देख केयरफुली थे बुझीगले तुम सब मैथ निजे भी करपर ठीक अच्छे देख तुम पांच नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी पांच नंबर क्वेश्चन तुमको देखे दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या और तहार अंक द्वयर स्थान बदल लिखिले जो संख्या मिली से दुहंकर जोगफल तुमको 99 आउ अंक द्वयर अंतर देती थ्री ते संख्याटी के सहीटा पचारे प्रथम मुझको कही जहाँ आमको पचार मनकर नहीं आम संख्या को मनकर प्रथम नहीं पारानी आम अंक दुईटा को मनकर नहीं जावा तो अंक दुईटा को जब आम मनकर नहीं जावा तेल से अंक आम संख्या गढ़ी पारा तो लिखिद मनकर संख्याटीर दशक अंक आउ एकक घर अंक दशक अंक एकक अंक को आम मनकर नहीं जावा तो संख्याटीर दशक ओ एकक स्थानीय अंक जहाँ को आम कौन ना एक्स आउ वाई नहीं जावा तो अंक यथाक्रमे एक्स ओ वाई ताहले आमे नहीं गले दशक अंक को नहीं गले एक्स एकक अंक को नहीं गले वाई ताहले संख्याटी केते हबो मते कह मु तुमको काली बुझेली तुम केमी संख्याटी बाहर कर संख्याटी आमर केते हबो जेहेतु दशक घर आम एक्स अच्छी तो सेठी आमर टेन गुणा हबो तो सेटा हे जबा आमर टेन एक्स तापर प्लस वाई तो संख्याटी आम पाईले टेन एक्स प्लस वाई तापर देख क्वेश्चन कौन दे दुई अंक विशिष्ट गोटे संख्या तेल संख्या आम पाईले के टेन एक्स प्लस वाई पाईले तापर अंक द्वयर स्थान बदल लिखिले जो संख्या मिल स्थान बदल मानने दशक घर जो आम एक्स नहीं चे एक्सटा को आम एकक घर नहीं जावा वाईटा को दशक घर नहीं जावा तो आम स्थान बदल दे तो सेटा लेख अंक द्वयर स्थान बदल लिखिले संख्याटी आमर के संख्याटी आमर हो टेन वाई प्लस एक्स होटा कि
टेन वाई प्लस एक्स हम कि नहीं देख आमर गोटे अंक हूँ एक्स आ गोटे अंक हूँ वाई जोटा कि एक्सटा को जिते बड़े आम दशक घर रखा आमर यहाँ टेन एक्स होता यहाँ सेमती टेन एक्स प्लस वाई होता संख्याटी तेल आमको देजे तार स्थान बदलदेव मानने वाईटा जो एकक घर अच्छी वाईटा को दशक घर रख एक्सटा को एकक घर रखा तो वाई जेहेतु दशक घर रहा आमर टेन वाई गुणा हम तो टेन वाई प्लस एक्स संख्या होगा बुझीपार स्थान बदल लिखिले संख्याटी आम टेन वाई प्लस एक्स कहीं तो तापर आम कौन करापर आमको क्वेश्चन देखे जो संख्याटा मिलला से दुहर जोगफल हूँ 99 मानने को दुईटी को दुईंर जोगफल मानने यही संख्यार जोगफल स्थान बदल जो संख्या आम पाइले यही दुईटर जोगफल 99 बोली आमको क्वेश्चन तो सहीटा आम लिखिद जोटा कि प्रश्नानुसार टेन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई तापर प्लस टेन वाई प्लस एक्स तो टेन वाई प्लस एक्स जोटा कि आमको केते देइछे जोगफल जोगफल देइछे आमको 99 बुझिपार्च कि नहीं समस्ते तो तापर आपको मिसदेई दिय तो इम्प्लाइज दैट टेन एक्स प्लस एक्स जे केते 11x वाई प्लस टेन वाई जे आमर 11y तो इक्वाल टू 99 तो इम्प्लाइज दैट 11 एथिरु कमन नहीं जा तो 11 कमन नेले रहिला आमर एक्स प्लस वाई तो इक्वाल टू 99 तो इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई एवं बाहरी जोटा कि 11 टाक नहीं एपटे हरी दि 99 रे आणिक तो 99 बाय 11 आमर बाहर 9 तो एक्स प्लस वाई बाहर आमर के एक्स प्लस वाई बाहर आमर 9 तो यहीटा को दे दि आमर इक्वेशन 1 दे दि तो यहाँ आमर सरीगला तापर यहाँ देख दे गोटे आमर सरला प्रश्न अनुसार तापर लिखाई अंक द्वयर अंतर देखो तीन मानने अंक द्वय आमर किए किए एक्स आउ वाई तो एक्स आउ वाई अंतर आमको तीन देखे से लिखिद पुनश्च प्रश्नानुसार पुणी आमको प्रश्न दे तो पुनश्च प्रश्नानुसार आमको कौन दे एक्स आउ वाई अंतर देखो तीन तो यहाँ को दे दिया इक्वेशन टू ताल आम इक्वेशन वन आउ टू को समाधान करदे आपको आम ये जोग करदे तो लिखिद एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 9 तापर ये लिखिद एक्स प्लस एकटा हूँ एक्स माइनस जोटा कि इक्वेशन टू आम एक्स माइनस अच्छी तो एक्स माइनस वाई इक्वाल टू 3 जोटा कि इक्वेशन वन आउ टू आम लिखिदे तेल यहीटा को आम कौन करवा जोग करदे कहीं जोग करवा कहीं ये आम आगुरी ही प्लस आठ माइनस वाई अच्छे से कटिजी जदि आमर न था आम माइनस करके आम सैन चेज कर था आमर आगुरी ही अच्छे प्लस सैन ये माइनस सैन तो आमर सेमती ही यहाँ कटिगला तेल एक्स प्लस एक्स जे आम 2x तो इक्वाल टू 9 प्लस 3 जे आम 12 तो इम्प्लाइज दैट एक्स के बाहर एक्स बाहर 12 बाय 2 टूटा आनी 12 हरी होगा तो एक्स बाहर आमर 6 ताले जो एक्स आम 6 बाहर तो एक्स जो एक्स रान को आम इक्वेशन 1 कि 2 जो थे पकईदे आम वाई वैल्यू आम पाई तो ये आम एक्स रान को इक्वेशन 1 रे पकईद तो से लिखिद एक्स रान समीकरण बा इक्वेशन जहाँ भी लिख पार तो इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले ताल एक्स रान को आम भी इक्वेशन 1 पकईद तो आम एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 9 दे तो इम्प्लाइज दैट एक्स जगह 6 पकईद तो 6 प्लस वाई इक्वाल टू 9 तो इम्प्लाइज दैट वाई के बाहर 9 6 टाइप को गले माइनस हो 9 माइनस 6 जे बाहर आम 3 ताल एक्स बाहर 6 वाई बाहर 3 ताल संख्याटी आमर के बाहर संख्याटी सामान आमर के संख्या नहीं थी आम 10x प्लस वाई तो 10x प्लस वाई तो इक्वाल टू 10 इंटू एक्स जगार तार भैल्यू पकईद जोटा कि 6 तापर प्लस वाई रैल्यू हूँ 3 तो इम्प्लाइज दैट 10 इंटू 6 जे आम 60 प्लस 3 जो हूँ 63 ताल आम संख्याटी है 63 ताल से अतेप लिखिद अतेप संख्याटी हूँ आमर के बाहर संख्याटी बाहर 63 ताल बुझिपार समस्त 5 नंबर तो तापर आम 6 नंबर करवा तो 6 नंबर क्वेश्चन देख 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दुईट संख्यार समष्टि से वियोगफल 4 गुण एवं संख्या दुईटर जोगफल देखिए आमको 8 ताल पचार संख्या दुईट के जो संख्या दुईट आमको पचारे से ही संख्या दुईट को ही मनेकर नहीं तो मनेकर नहीं जा संख्या दुईट को आम कौन ना मनेकर
संख्या दुईटी होचंती आमर एक्स आउ वाई नहीं जी संख्या दुईटी को तो संख्या दुईटी को आम नहींगले एक्स आउ वाई ताहले देखो आमको देजे दुईट संख्यार समष्टि माने एक्स आउ वाई समष्टि से वियोगफल चारिगुण तो सेटा लिखि दियो प्रश्नानुसार दुईट संख्यार समष्टि माने एक्स आउ वाई समष्टि तो एक्स प्लस वाई इक्वाल टू कौन से वियोगफल चारिगुण माने एक्स माइनस वाई माने संख्या दुईटी आम एक्स आउ वाई नहींचे कि नहीं तो एमकर ही वियोगफल तो एक्स माइनस वाई वियोगफल के एक्स माइनस वाई आउर कौन देर चारि गुण माने एक्स माइनस वाई चारि गुण बुझिपार्च तेल एवं आम समाधान करदे तो इम्प्लायज दैट एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फोर को गुणी दि जोटा कि फोर एक्स माइनस फोर वाई हो तो इम्प्लायज दैट एक्स प्लस वाई फोर एक्स को एपटक आसे माइनस फोर वाई एपटक आसे प्लस फोर वाई तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट एक्स माइनस फोर एक्स जे आम माइनस थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई जे के प्लस फाइव वाई तो इक्वाल टू जीरो तो यहीटा को दे दियो आमर इक्वेशन वन दे दियो तो तापरे आमको प्रश्न देजी जे संख्या दुईटर जोगफल आमको आठ देजी माने एक्स आउ वाई जोगफल आमको आठ देजी तो सेटा लिखि दियो पुनश्च प्रश्नानुसार तो पुनश्च प्रश्नानुसार आमको देजी संख्या दुईटर जोगफल आठ माने एक्स प्लस वाई इक्वाल टू आमको एट देजी तो यहाँ को दे दिए इक्वेशन टू ताहले एबे आमे देखो आमर एटी सहग समान नाई एटी अछि माइनस थ्री तो एथिरे आमे गोटे थ्री गुणी देबा इक्वेशन टू रे थ्री गुणी देले आमर एक्स रा सहग समान हो जाइबो एटी अछि माइनस थ्री एक्स हो जाइबो एटी आमर थ्री एक्स हो जाइबो तो आमर जोग कले सेटा कटि जाइबो तो सेटा लिखि दियो वन इंटू इक्वेशन वन जेहेतु वन इक्वेशन वन आम कि गुणवा दरकार नहीं तो वन गुणी दबा तो इम्प्लायज दैट माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वाल टू जीरो जहाँ को सै रहा इक्वेशन टू रे आम थ्री गुणवा तो थ्री इंटू इक्वेशन टू तो इम्प्लायज दैट थ्री रे एक्स गुणिले थ्री एक्स थ्री इंटु वाई जे आम हूँ थ्री वाई थ्री इंटु एट जे हूँ आम ट्वेंटी फोर तो आपको एमें जोग करदे तो ये लिखिदि जोग कले कहीं जोग करवा कहीं ये आगर ही ये माइनस सैन ये प्लस सैन अच्छे तो से आम डायरेक्ट कटिज तो फाइव वाई प्लस थ्री वाई जे आम हूँ एट वाई इक्वाल टू ट्वेंटी फोर तो इम्प्लायज दैट वाई बाहरी गला आम ट्वेंटी फोर बाय एट इक्वाल टू थ्री तेल आम वाई पाइले थ्री तेल एवं आम वाई वैल्यू को इक्वेशन टू रे पकई दि तो सेटा लिखिदि वाई मान समीकरण टू बा इक्वेशन टू इक्वेशन टू रे प्रयोग कले ताले एबे आमे वाई रो वैल्यू को इक्वेशन टू रे पकई दबा ताले देखो मु एबे वाई रो वैल्यू को इक्वेशन टू रे पकई देबी तो वाई रो वैल्यू आमर थ्री बाहर ला इक्वेशन टू होचे आमर एक्स प्लस वाई इक्वाल टू एट तो सेटा लेख एक्स प्लस वाई इक्वाल टू एट तो इम्प्लायज दैट वाई जगार थ्री पकई दि तो एक्स प्लस थ्री इक्वाल टू एट तो इम्प्लायज दैट एक्स बाहर आम थ्री टाक सेपट को नहीं जाए जोटा कि एट माइनस थ्री जे आम बाहर फाइव तो वाई बाहर थ्री एक्स बाहर फाइव तेल आम एक्स आउ वाई की मनकर नहीं संख्या दुईटी तेल आम संख्या दुईटी कौन कौन बाहर तो सेटा लिखिदि अते संख्या दुईटी किए किए बाहर गोटे पाँच आ गए हूँ तीन तो संख्या दुईट हूँ फाइव ओ थ्री ताहले बुझिपार समस्ते छ नंबर तो तापरे आम सात नंबर करवा तापरे सात नंबर क्वेश्चन देख सात नंबर क्वेश्चन देखिए दुई अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानकर समष्टि देखिए टेन किंतु अंक गुड़िकर स्थान जदि आम बदल दौचे तो स्थान बदल लिखिले तापरे जो संख्याटी आम उत्पन्न हम सेटा मूल संख्यार दुई गुण रु एक उणा हुए मानने एक कम हुए तो संख्याटी स्थिर कर तेल यहीटा भी आम सेमती ही हम तो प्रथम आम संख्याटी तो संख्या को आम मनकर न नहीं कि अंक को नहीं जावा मनकर जहाँफल आम संख्या आम पाई ताहले एठी भी आमे सेया नबा तो मने कर संख्याटीर मनेकर संख्याटीर दशक ओ एकक स्थानीय अंक को आमे मनेकर नेजिबा तो दशक ओ एकक स्थानीय अंक
यथाक्रमे आम ये कहीं अंक मनेकर नौजे तुम कह आम डायरेक्ट संख्या को कहीं मनेकर नबानी कहीं नबानी ना कहीं आम देजे अंक गुड़िकर स्थान बदल जदि आम डायरेक्ट संख्या को नहीं जा मनेकर एक्स किंवा वाई तेल आम अंकर केमी स्थान बदल बदल पारानी से आम ये अंक को मनेकर नौचे तो अंक को जेहेतु आम मनेकर ना आम अंकर स्थान बदल संख्या गठन कर बुझीपार कहीं आम ये अंक को मनेकर नौजे तेल अंक यथाक्रमे कौन एक्स ओ वाई ताले संख्याटी आमर बाहर जीवा केते संख्याटी हे जीवा आमर केते हे जीवा 10x प्लस वाई ताले देइछि तापर अंक गुडीकर स्थान बदलैबो जेहेतु प्रथमे आमे सेइटा भी बाहर कर देबा तो अंक गुडीकर स्थान बदलैले तो अंकर स्थान बदलैले संख्याटी केते हबो मैं पूर्व भी तुमको शिखेली जोटा कि संख्याटी होमर 10y प्लस एक्स हो बुझिपार कि ना तो आमको जहाँ क्वेश्चन देखिए तो सैटा लिखिद तो लिखिद प्रश्नानुसार जहाँ आमको प्रश्न देखे देखे दुई अंक विशिष्ट संख्यार अंक मानक समि देखो 10 तो यहाँ प्रथम आमर गोटे इक्वेसन हो अंक मानक समि मान एक्स आउ वाई रि तो एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 10 तो यहाँ हूँ आमर इक्वेसन वन तो तापरे आउ कौन देख देखो तो आउ थे से लिखिदि पुनश्च पुनश्च प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने कौन देख देख तापरे आमको देखे अंक गुड़िकर स्थान बदल लिखिले जो उत्पन्न संख्याटी तेल अंक गुड़िकर स्थान बदल लिख लू आमर उत्पन्न संख्याटी के 10 वाई प्लस एक्स है से कौन दे मूल संख्यार दुई गुण रु एक कम मूल संख्या हूँ 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई रुई गुण मानने दुई गुण मानने 2 होल इंटु 10x प्लस वाई जोटा कि आमर दुई गुण होगा देखे दुई गुण रु पी एक गुणा मानने एक कम तो एथर वन फेड़ दि बुझिपारको समाधान करदे तो इम्प्लाइज दैट 10y प्लस एक्स इक्वाल टू 2 को 10x आ वाई रे गुणी दि तो 2 इंटु 10x जे आमर के 20x 2 इंटु वाई जे हूँ आमर 2y माइनस वन तो इम्प्लाइज दैट 10y प्लस एक्स आपको सब एपट को नहीं आसवा जोटा कि माइनस 20x तापर एटा प्लस जो अच्छे सेपट को गले माइनस 2y माइनस वन सेपट को गले प्लस वन इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 10y माइनस 2y जे आमर के 8y तापर एक्स माइनस 20x जे आमर माइनस 19x तापर प्लस वन इक्वाल टू 0 तो यहीटा को दे दियो आमर इक्वेशन 2 तेल इक्वेशन 1 आउ 2 को आम एवं समाधान करदे तेल ये जो आम फास्ट रू 8y अच्छी तो आपको सजेकि लिखीद सजेकि लिखिक इक्वेशन 2 देदे ठीक अच्छे तेल माइनस 19x आगक नहीं आस प्लस 8y प्लस वन इक्वाल टू 0 तो यहीटा को दे दि इक्वेशन 2 तेल आपको एवं 1 आउ 2 को समाधान कर दि कहार सहग को सामान करवा ये आम वाई रग को सामान करदे तेल इक्वेशन 1 रे आम 8 गुणी दि तो से लिखिद तो 8 इंटु इक्वेसन 1 तो इम्प्लाइज दैट 8 को आम सब थे गुणीद तो 8x प्लस 8y इक्वाल टू 80 तापर एमर कि गुणवा दरकार ना तो 1 इंटु इक्वेसन 2 तो इम्प्लाइज दैट जहाँ को से माइनस 19x प्लस 8y प्लस 1 इक्वाल टू 0 ताको आम फेड़ीद तो लिखिद सैड्रे वियोग कले तेल एटी जेहे तो माइनस अच्छे आमर प्लस एठी माइनस एठी माइनस तो 8y माइनस 8y कैंसिल होगा 8y प्लस 19x जे के 27x तापर एठी अच्छे माइनस वन तो 27 माइनस वन इक्वाल टू एठी 80 को से 80 रहिबो तो तापर आपको समाधान कर दि इम्प्लाइज दैट 27x इक्वाल टू 80 माइनस वन एपट को आसिले प्लस वन हो तो 27x आमर बाहर 81 तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वाल टू 81 बाय 27 होटा कि आमर 3 बाहर तो ये एक्स रैल्यू को इक्वेसन वन पकई दि तो से लिखिद एक्स रान इक्वेसन वन प्रयोग कले तेल एबे आमे एक्स रान को इक्वेशन वन पकईदे तो एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 10
तो इम्प्लाइज दैट एक्स जगह थ्री पकईदेबा थ्री आमर बाहर ला तो थ्री प्लस वाई इक्वाल टू टेन तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वाल टू टेन थ्री एपट को पलैस माइनस थ्री हो तो वाई बाहर आमर सेभेन तो एक्स बाहर थ्री वाई बाहर सेभेन तेल आमको पचार संख्याटी के संख्याटी आमर एवं बाहर जा संख्याटी आम के टेन एक्स प्लस वाई तो टेन एक्स प्लस वाई जगह भैल्यू पुट कर दियो तो टेन इंटू एक्स आम बाहर के थ्री टेन इंटू थ्री प्लस वाई बाहर आमर सेभेन जोटा कि आमर बाहर के जोटा कि यहाँ बाहर थर्टी सेभेन तेल संख्याटी आम बाहर थर्टी सेभेन तेल अतेप लिखिदेव अतेप संख्याटी हूँ थर्टी सेभेन बुझिपार तापर आम आठ नंबर करवा आठ नंबर क्वेश्चन देख आठ नंबर क्वेश्चन देखिए दुईट संख्या मध्य प्रथम टीर तीन गुण रु द्वितीय टीर दुई गुण वियोग कले वियोगफल दुई हम एवं द्वितीय टीर सेभेन जोग कले जोगफल प्रथम टीर दुई गुण हम तेल संख्या द्वय स्थिर कर तेल संख्या दुईट को आम मन कर नहीं जा तो लिखिदि से मन कर संख्या द्वय को आम नहीं जा कौन नहीं जा एक्स आउ वाई नहीं जा तो मन कर संख्या द्वय होती एक्स ओ वाई ताहले प्रश्न अनुसार से लिखिद जहाँ आमको क्वेश्चन दे तो से अनुसार आम इक्वेशन बाहर करदे तो प्रश्न अनुसार दुईट संख्या मध्य प्रथम टीर तीन गुण मान एक्स रनि गुण तो एक्स रनि गुण आम थ्री एक्स होपर दे द्वितीय टीर दुई गुण वियोग कले वाई रुई गुण मानते वाई रुई गुण जे टू एक्स तो वियोग कले मैंने थ्री एक्स माइनस टू वाई होगा वियोगफल केव वियोगफल दुई हम जोटा कि वियोगफल दुई हम आम इक्वेशन बाहरी गला तो यहाँ को दे दि इक्वेशन वन तो तापरे पुणी दे तो लिखिद पुनश्च लिख पुनश्च प्रश्न अनुसार तो पुनश्च द्वितीय टी सेभेन जोग कले मैंने वाई रे सेभेन जोग कले तो वाई रे आम सेभेन जोग करदे जोगफल केव जोगफल प्रथम टीर दुई गुण हम तो प्रथम टीर दुई गुण हम मानने एक्स रुई गुण हम तो वाई प्लस सेभेन इक्वाल टू टू एक्स यहाँ आमर दे तो आपको एबे सजे लिखिद तो इम्प्लाइज दैट टू एक्स को एपट को नहीं आस जोटा कि माइनस टू एक्स हो माइनस टू एक्स प्लस वाई इक्वाल टू सेभेन को एपट को नहीं आसे माइनस सेभेन हो बुझिपार तो यहाँ को दे दि इक्वेशन टू दे दि तेल एवं आम वन आउ टू को समाधान करदे तेल ये देख वाई रहा अच्छे माइनस टू तेल एटी आम वाई केवल गोटे टू गुणीदा तो वाई टू गुणवा मैंने इक्वेशन टू रे टू गुणीदा आउ इक्वेशन वन कि गुणवा दरकार ना मैंने वन लिखिदे तो वन इंटू इक्वेशन वन तो इम्प्लाइज दैट जहाँ को से लिखिद थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वाल टू टू एमें टू गुणवा टू इंटू इक्वेशन टू तो इम्प्लाइज दैट टू गुणवा मैंने ये के माइनस फोर एक्स एटे प्लस टू वाई एटे इक्वाल टू माइनस फोर्टीन यहाँ हूँ तुम टू तेल आपको आम जोग करवा कहीं ये माइनस सैन ये प्लस सैन सेमती हिं कटि जा तो जोग कले माइनस टू वाई प्लस टू वाई कटिगला थ्री एक्स माइनस फोर एक्स ये अच्छे जेहतु फोर एक्स पूर्व माइनस अच्छे तो फेड़ा हम ये थ्री एक्स माइनस फोर एक्स जे आमर माइनस एक्स तापर टू माइनस फोर्टीन जोटा कि आमर के माइनस ट्वेल्व तो माइनस माइनस कैनसल एक्स बाहर आमर ट्वेल्व तेल एमें एक्स रान को इक्वेशन वन पकई दि तो एक्स रान समीकरण वन प्रयोग कले ताहले एबे आमे एक्स रा भैल्यू को इक्वेशन वन रे पकेद तो इक्वेशन वन लिखिद थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वाल टू टू तो इम्प्लाइज दैट थ्री इंटू एक्स जगह ट्वेल्व पकई दि तो थ्री इंटू ट्वेल्व माइनस टू वाई इक्वाल टू टू तो इम्प्लाइज दैट थ्री इंटू ट्वेल्व जे आम थर्टी सिक्स माइनस टू वाई इक्वाल टू टू दे तो इम्प्लाइज दैट माइनस टू वाई किपटे रखीद तो माइनस टू वाई इक्वाल टू टू थर्टी सिक्स एपट को आसते माइनस थर्टी सिक्स हो तो टू माइनस थर्टी सिक्स जे आम के जोटा कि हूँ माइनस थर्टी फोर तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वाल टू बाहर जाते माइनस थर्टी फोर बाय माइनस टू को एपट को नहीं आस तो माइनस टू तो माइनस माइनस कैनसल टू थर्टी फोर में कटले है सेभेन्टीन तो आमर बाहर वाई सेभेन्टीन तेल आम एक्स बाहर के ट्वेल्व वाई बाहर सेभेन्टीन तेल आम संख्या दुईट कौन बाहर
संख्या दुईट आमर बाहर गोटे 12 आ गोटे 17 तेल अतेप लिखिद अतेप संख्या दुई हूँ 12 आउ 17 तेल बुझीपारे समस्ते 8 नंबर तेल 9 नंबर क्वेश्चन देख तुम कौन दे 9 नंबर क्वेश्चन दे गोटे भग्नांशर लब और हर से दुई जोग कले के हुए 9/11 हुए मात्र लब और हर से 3 जोग कले 5/6 तेज भग्नांशटी के देख ये आमको पचार भग्नांशटी के आम भग्नांशटी के ही मन कर नहीं जावा तेल केमी मन कर ना आम लब को नहीं जावा एक्स हर को नहीं जाए आम भग्नांश हो एक्स बै वाई बुझिपार तेल से लिखिद मन कर भग्नांशटीर मन कर भग्नांशटीर लब हूँ लब को आम नहींगले एक्स ओ हर को नहीं जावा आम वाई तेल लब को एक्स आउ हर को वाई ने भग्नांशटी के तेल आमर भग्नांशटी हो एक्स बाय वाई भग्नांशटी सामान एक्स बाय वाई हो कहीं लब एक्स हर हो वाई तो भग्नांशटी होमर एक्स बाय वाई तापर आमको प्रश्न जहाँ दे तो आम से अनुसार इक्वेसन बाहर करदे तो प्रश्नानुसार कौन देमको लब हर से दुई जोग कले मान एक्स आउ वाई रे दुई जोग कले आमर से 9/11 हुए तेल देख एक्स प्लस टू बाय वाई प्लस टू आम लबरे दुई जोग करदे हर से भी दुई जोग करदे तो सीटा के 9/11 हुए तो आम समाधान कर तुम्हें देख एक्स प्लस टू को 11 रे गुणब वाई प्लस टू को 9 रे गुणब जोटा कि आम क्रस मल्टीप्लिकेसन करें तो सेटा लिखी दियो 11 होल इंटु एक्स प्लस टू तापर इक्वाल टू 9 होल इंटु कौन 9 होल इंटु वाई प्लस टू तेल एवं आपको सब गुणी दि 11 को एक्स गुणले 11 एक्स 11 को 2 रे गुणले आमर 22 तापर 9 को वाई रे गुणले 9 वाई 9 को 2 रे गुणले 18 तो इम्प्लाइज दैट 11 एक्स प्लस 22 9 वाई एपट को आस -9 वाई 18 एपट को आनले -18 इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 11 एक्स -9 वाई 22 रु 18 फेड़िले आमर के जोटा कि 4 आमर तो प्लस 4 इक्वाल टू 0 तो यहीटा को दे दियो इक्वेशन 1 तापर आमको कौन पुणी दे जहाँ से लिखिद पुनश्च पुनश्च प्रश्न अनुसार तेल आमको तापर जहाँ आमको देटा आम इक्वेशन बाहर करदे तो लब हर से 3 जोग कले 5/6 हुए तेल ये सेमती लब हर से 3 जोग करदि तो पुनश्च प्रश्न अनुसार एक्स प्लस 3 बाय वाई प्लस 3 इक्वाल टू के हुए 5/6 हुए तेल आपको भी सेम क्रस मल्टीप्लिकेसन कर दि तो इम्प्लाइज दैट 6 होल इंटु एक्स प्लस 3 तापर इक्वाल टू 5 होल इंटु वाई प्लस 3 हो बुझिपार कि नहीं तो आपको सब गुणी दि 6 को एक्स प्लस 3 रे गुणी दि जोटा कि केत सिक्स एक्स तापर 6 को 3 रे गुणले हम 18 तो इक्वाल टू 5 को वाई रे गुणले हम 5 वाई 5 को 3 रे गुणले हम 15 तो तापर ये दुईटा को एपट को नहीं आसवा तेल तापर स्टेप मुझु कर देख तो इम्प्लाइज दैट 6x प्लस 18 -5y होपट को आसिले -5y 15 भी माइनस होपट को आसिले तो 15 इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 6x माइनस 5y 18 माइनस 15 जे आमर के 3 तो प्लस 3 इक्वाल टू 0 तो यहीटा को दे दि इक्वेशन 2 तेल एवं आम इक्वेशन 1 आउ 2 को समाधान करें देख आमर कौ सहग को ये सामान करवा कह ये आम 11 अच्छी ये 6 अच्छी आपको सामान कले आमको सब ए 11 गुणा पड़ा ए 6 गुणा पड़ा तो यहाँ आमर बहुत बड़ हो तो से आम वाइर सहग को सामान करदे ये अच्छे 5 ये अच्छे 9 जोटा कि -5 आउ -9 अच्छी तो से आम 9 गुणी दबा एम 5 गुणी दबा तो गुणीदे आमर से 45 45 होल इक्वेशन 2 रे आम 9 गुणीबा इक्वेशन 1 रे 5 गुणीबा बुझिपार तो सेटा लिखि दियो 5 इंटु समीकरण 1 बा इक्वेशन 1 तो इम्प्लाइज दैट एथिरे 5 गुणले के हम 11x रे 5 गुणले हम तुमर 55x तापर -9y रे 5 गुणले हम -45y तापर 4 रे 5 गुणले हम +20 इक्वाल टू 0 तो तापर आम इक्वेशन 2 रे सेमती 9 गुणी दबा तो सेटा लिखि दियो 9 इंटु इक्वेशन 2 तो इम्प्लाइज दैट 9 गुणले 6x रे 9 गुणले के हम जोटा कि आम 54 हो
तो 54x है तापर 9 को माइनस 5 वाई रे गुणी दियो जोटा कि आमर माइनस 45 वाई तापर 9 को 3 रे गुणले हम आम 27 इक्वाल टू 0 तो आम कौन करवा फेड़ी दबा तो ये लिखीदि वियोग कले तेल वियोग कले आम साइन चेंज हो माइनस ये माइनस अच्छी मैंने प्लस होठी प्लस अच्छी मैंने माइनस हो माइनस 45 वाई प्लस 45 वाई कटिगला तो 55x रु 54x गले आमर एक्स 20 - 27 जे आमर -7 तो इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वाल टू 7 हो -7 एपट को पलि आसला 7 होक्स आमर बाहर 7 तेल एवं आम एक्स रैल्यू को इक्वेशन 1 कि 2 जो थे पकईदि तो आम ये एक्स रैल्यू को इक्वेशन 1 रे पकईदे से लिखीदि एक्स रान इक्वेशन 1 बा समीकरण 1 जहाँ भी लिखिपार तो इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले ताले इक्वेशन आमर 11x अच्छी तो एक्स जगार 7 पकई दियो तो 11 × 7 -9y +4 इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 77 -9y +4 इक्वाल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 77 +4 जे के 81 आउ ये -9y को एपट को नहीं आस जोटा कि +9y हो तो इम्प्लाइज दैट वाई बाहर के 81/9 हो 9 कि 81 आने हरिदि तो ये आम बाहर 9 तेल वाई बाहर तुम 9 एक्स बाहरी 7 तेल भग्नांशी के हम तो सेटा लिखीदि भग्नांशी सामान एक्स बाय वाई आम एक्स बाय वाई नहीं कि नहीं तो एक्स जगार एक्स रैल्यू पकई दि जोटा कि 7 वाई जगार वाई रैल्यू पकई दि जोटा कि 9 तो आम भग्नांश बाहर 7/9 तेल एवं तुम अतेप लिखिदेव अतेप भग्नांशी 7/9 बुझिपार तो आम 10 नंबर करवा तो तापरे 10 नंबर क्वेश्चन देख 10 नंबर क्वेश्चन तुमको देखिए गोटे भग्नांशर लबर 3 गुण और हर रु 3 वियोग कले भग्नांशी हुए 18/11 मात्र लबरे 8 जोग कले और हर को 2 गुण कले हुए 2/5 तेबे भग्नांशी केते ताले एठी भी सेमती आम कौन करवा भग्नांश को मन कर नहीं जा मानने लब आउ हर को एक्स आउ वाई नहीं जा तो भग्नांशी आम एक्स बाय वाई हो तो सेटा लिखीदे मन कर भग्नांशर तो मन कर भग्नांशर लिखिद लब हूँ आमर एक्स ओ हर को आम नहींगले वाई ताले भग्नांशी के ताले भग्नांशी आमर हो भग्नांशी सामान एक्स बाय वाई होपर आमको जहाँ प्रश्न देखिए तो से अनुसार आम इक्वेशन बाहर करदे तो प्रश्न अनुसार देखिए लबर 3 गुण मान एक्स रि गुण एक्स रिनि गुण जे के 3x तापर देचे हर रु 3 वियोग कले माने y रु 3 कौन हम वियोग हम ताले y रु आमर 3 फेड़ी दि वियोग कर दियो वियोग कले कौन हम भग्नांशी 18/11 हम ताले एटा हला आमर 18/11 बुझिपार्छ ताले एबे आकु आमे कौन करबा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके समाधान कर दियो तो सेटा लिखि दियो 11 × 3x इक्वल टू 18 × y - 3 हे जिवो बुझिपार्छ ताले इम्प्लाइज दैट 11 × 3x जे के हम 33x होल इक्वाल टू 18 को वाई रे गुणी दि जोटा कि हम आम 18y तापर 18 को -3 रे गुणिले आमर से -54 ताले इम्प्लाइज दैट ए दुटा को एपट को नहीं जा 33x -18y एपट को आसे माइनस होटा एपट को आसे प्लस हो तो +54 इक्वाल टू 0 ताले एटा को तुम्हें देदि इक्वेशन 1 देदि ताले इक्वेशन 1 आम पाइले आमको पुणी कौन दे लिखीद पुनश्च प्रश्नानुसार ताले आमको पुणी कौन प्रश्न देटा देखिकी से आम इक्वेशन 2 बाहर करदे ताले देजे लबरे 8 जोग कले ताले लबरे 8 जोग करदि माने एक्स रे 8 जोग हम तो एक्स प्लस 8 होपर देजे हर को 2 गुण कले माने वाई रो 2 गुण जे के 2y तो केते हम भग्नांश कले आमर हम 2/5 तो एबे आकु समाधान कर दियो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो 5 को एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 8 रे गुणी दियो तो 5 × x + 8 इक्वाल टू 2 × 2y जे तो लिखी दियो 2 × 2y तो इम्प्लाइज दैट आकु से गुणी दियो तो 5x + 5 × 8 जे 40 इक्वाल टू 2 × 2y जे 4y तो इम्प्लाइज दैट 5x
फोर वाई एपट को आसे माइनस फोर वाई प्लस फोर्टी इक्वाल टू एटा तुम फोर्टी फोर्टी इक्वाल टू जीरो तो यहाँ है तुम इक्वेशन टू ताहले तापरे आम इक्वेशन वन आउ टू को आम समाधान करिपरिबा। ताहले देख इटे आम इक्वेशन वन एक्स रहग अच्छी थर्टी थ्री वाई रहग अच्छी माइनस एटीन तो यहाँ तो फिफ्टी फोर ताहले आम कौ कहार सहग को सामान करवा तो ये आम वाई रहग को सामान करदे ताहले देख ये अच्छे एटीन ये अच्छे फोर आम एटीन टू गुणी देवा आ फोर नाइन गुणी देवा जोटा कि एटीन टू गुणिले थर्टी सिक्स फोर नाइन गुणिले से थर्टी सिक्स जोटा कि आम वाई रहग थर्टी सिक्स हो सामान ताहले आम इक्वेशन वन टू गुणवा इक्वेशन टू नाइन गुणवा ठीक अच्छे ताहले सेटा लिखिदबा टू इंटू इक्वेशन वन तो टू इंटु इक्वेशन वन जे सब थे टू गुणी दि थर्टी थ्री एक्स टू गुणिले आमर हम सिक्सटी सिक्स एक्स तापर माइनस एटीन वाई तो टू गुणिले हम माइनस थर्टी सिक्स वाई तापर फिफ्टी फोर टू गुणिले आमर हम वन जीरो एट इक्वाल टू जीरो तापर एमर नाइन गुण हम तो नाइन इंटु इक्वेशन टू तो इम्प्लाइज दैट ताहले फाइव एक्स नाइन गुण जोटा कि आम के हम फोर्टी फाइव एक्स हम माइनस फोर वाई नाइन गुणले से माइनस थर्टी सिक्स वाई फोर्टी नाइन गुणले आम के हम जोटा कि हम तीन सौ षाठी इक्वाल टू जीरो आपको आम वियोग करदे वियोग कले सैन चेज हम ताहले लिखिदि वियोग कले ताहले एठी आमर सबुर साइन चेंज कर दिए एठी हो जाए माइनस एठी हो जाए प्लस एठी हो जाए माइनस ताहले एटा एटा कटिगला सिक्सटी सिक्स एक्स माइनस फोर्टी फाइव एक्स जोटा कि आमर के ट्वेंटी वन एक्स हम ताहले तापरे वन जीरो एट माइनस थ्री सिक्सटी ताहले शहे आठ रु आमर तीन सौ षाठी फेरिले आमर के जोटा कि हम आमर माइनस दुईश बावन हम तुम्हें तीन सौ षाठी शहे आठ फेड़ आउ जेहेतु बड़ संख्या पूर्व माइनस अच्छे तो माइनस चिन्ह रहा बुझिपार्च तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट ट्वेंटी वन एक्स आम माइनस दुईश बावन को सेपट को नहीं जाओ जोटा कि प्लस टू हंड्रेड फिफ्टी टू हो तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वाल टू दुईश बावन बाय ट्वेंटी वन को आणिक एपटे हरी दि जोटा कि ताहले दुईश बावन बै ट्वेंटी वन जे आमर हूँ बार तुम्हें दुश दुईश बावन को ट्वेंटी वन हरीद तुम बाहर बार ठीक अच्छे ताहले आम एक्स रान को इक्वेशन वन पकईद इक्वेशन वन पकईद ताहले से लिख एक्स रान इक्वेशन वन प्रयोग कले ताहले एबे आमे एक्स मान को इक्वेशन वन पकईद एक्स आम इक्वेशन वन थर्टी थ्री एक्स तो थर्टी थ्री इंटू एक्स जगह ट्वेल्व लिखिदि तापर माइनस एटीन वाई प्लस फिफ्टी फोर इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट तेतीस बार गुणी दि तेतीस बार गुणिले तुम के जोटा कि हम आम तीन सौ छयानबे हम तो तेतीस बार तुम गुण जोटा कि तीन सौ छयानबे हम तापर माइनस एटीन वाई प्लस फिफ्टी फोर इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट तीन सौ छयानबे आम चौवन को मिसई दि जोटा कि हम हम आम के हम आम चार सौ पचास हो नहीं देख छः चार दस शून्य रखी आम वन जीवर नौ पाँच तुम के चौदह तापर जो वन जाइला चौदह एक मिसला पंदर तो फाइव रखी पुणी वन जो गला तीन वन मिसले फोर चार सौ पचास हो चार सौ पचास इक्वाल टू माइनस एटीन वाई को एपट को नहीं आस जोटा कि प्लस एटीन वाई तो इम्प्लाइज दैट वाई के बाहर चार सौ पचास आणिक अठर को हरी दि तो फोर फिफ्टी बाय एटीन ताहले चार सौ पचास को अठर से हर जोटा कि तुम बाहर ट्वेंटी फाइव बुझिपार्च ताहले आमर एक्स बाहर ट्वेल्व वाई बाहर ट्वेंटी फाइव ताहले भग्नांशटी आम लिखिदि तो भग्नांशटी सामान आम एक्स बाय वाई तो एक्स रैल्यू पकईद जोटा कि आमर ट्वेल्व वाई रैल्यू हूँ ट्वेंटी फाइव तो आम भग्नांश बाहर के ट्वेल्व बाय ट्वेंटी फाइव हूँ तुम आंसर ताल अतेप लिखिदेव अतेप भग्नांशटी ट्वेल्व बाय ट्वेंटी फाइव ताल बुझिपार तो आम एगार नंबर करवा ताहले एगार नंबर क्वेश्चन देख एगार नंबर क्वेश्चन तुमको देजे पांचटी कलम और छटी पेनसिल दाम मिसी तुमको नौ टंका एवं तीनोटी कलम और दुईटी पेनसिल दाम मिसी पांच टंका ताहले पचार गोटे कलम गोटे पेनसिल दाम के आमको जहाँ पचार मन कर नहीं जावा मानने गोटे कलम और गोटे पेनसिल दाम को आम एक्स आउ वाई नहीं जावा बुझिपार्च ताहले सेटा लिखिदि आंसर रे मन कर तो मन कर आमर गोटे कलम दाम नहीं जावा आम एक्स टंका मन कर गोटे कलम
दाम समान एक्स टंका तो तापरे पुणी गोटे पेनसिल दाम को नहीं जीवा वाई टंका बुझिपार ओ गोटे पेनसिल दाम समान आम नहीं जीवा वाई टंका तेल ये मनकर नहीं गले मत कह पांचटी कलम आ छटी पेनसिल दाम मिसी जो नौ टंका देखे से आम इक्वेशन बाहर कर पारिबा तो सेटा लिखि दियो प्रश्नानुसार देखे कौन पांचटी कलम दाम तेल गोटे कलम दाम जदि एक्स टंका है पांचटी कलम दाम के फाइव एक्स एटा बहुत सहज समस्ते जाच ताल फाइव एक्स मिसी मानने प्लस ताहले गोटे पेनसिल दाम के वाई टंका ताहले छटी पेनसिल दाम के सिक्स वाई टंका बुझिपार कि ना ताहले सिक्स वाई बाहर तो इक्वाल टू देखो कि क्वेश्चन में सेटा केते हबो देछि नौ टंका ताहले फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई होछि हमर नाइन ताहले एटा तुम गोटे इक्वेशन बाहर गला तो एटा को दे दियो इक्वेशन वन दे दियो तापरे लेख पुनश्च प्रश्नानुसार लिख तो पुनश्च आमको पुणी प्रश्न देजे तीनोटी कलम ताहले तीनोटी कलम दाम केते हबो गोटे कलम दाम एक्स टंका हेले तीनोटी कलम दाम केते थ्री एक्स टंका तापरे देजे प्लस दुईटी पेनसिल दाम माने टू वाई टंका दुईटी पेनसिल दाम आमर टू वाई हबो देजे केते मिसिके हबो पांच टंका तो एटा को दे दियो इक्वेशन टू दे दियो बुझिपार ताल आम यहाँ है इक्वेशन वन ये है इक्वेशन टू आमर ये सिक्स वाई रहग सिक्स अच्छी तेल ये टू में गोटे थ्री गुणी देने आमर वाई रहग सामान आम से करवा इक्वेशन टू में थ्री गुणी दबा तो सेटा लेख इक्वेशन वन कि गुणवा दरकार ना तो से वन इंटू इक्वेशन वन तो इम्प्लायज दैट जहाँ को जहाँ अच्छे से लिखिद फाइव एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वाल टू नाइन इक्वेशन टू में थ्री गुणवा तो थ्री इंटू इक्वेशन टू तो इम्प्लायज दैट थ्री रे थ्री गुणले आमर हूँ नाइन एक्स थ्री रे टू वाई गुणले हूँ आमर सिक्स वाई थ्री रे फाइव गुणले हूँ आमर फिफ्टीन तो यहाँ आमर वियोग हम तो वियोग कले तो सबूर साइन चेंज कर दियो ये प्लस अच्छी माइनस होटी माइनस हम ये भी माइनस हम जोटा कि माइनस हम तो सिक्स वाई कैनसल फाइव एक्स माइनस नाइन एक्स के माइनस फोर एक्स नाइन माइनस फिफ्टीन जे के माइनस सिक्स तो इम्प्लायज दैट ये माइनस माइनस कैनसल कर दियो तो एक्स इक्वाल टू सिक्स बै फोर हम तो सिक्स बै फोर जे आम के थ्री बै टू हो कहीं टू में कटला थ्री एटा टू में कटला टू तो थ्री बै टू टंका ताल एक्स आम थ्री बै टू बाहर तेल एमें एक्स रैल्यू को इक्वेशन वन पकई दि इक्वेशन टू में पकई दि जो थे पकेले भी चलो तेल आम एक्स रान इक्वेशन टू रे प्रयोग कले तो आम एक्स रैल्यू को इक्वेशन टू में पकईदे तो थ्री एक्स मैंने थ्री इंटु एक्स जगार थ्री बै टू पकई दिवे प्लस टू वाई इक्वाल टू फाइव तो इम्प्लायज दैट आमर थ्री इंटु थ्री जो हम आम नाइन तो नाइन बै टू प्लस टू वाई इक्वाल टू फाइव हम तो आपको समाधान कर दि तो इम्प्लायज दैट टू वाई की एपटे रख फाइव नाइन बै टू को एपटक नहीं आस जोटा कि हो माइनस नाइन बै टू बुझिपार तो इम्प्लायज दैट टू वाई इक्वाल टू लसा को नहीं जाओ तले हम आम टू टू को फाइव रे गुणले हम टेन टेन माइनस हम आम एटा नाइन तो आम बाहर वन बै टू तो इम्प्लायज दैट वाई बाहर जाते वन बै टू यहाँ आमर वन बै टू एपटक गले बै टू हम तो वन बै टू बै टू मानने ताको आम गुणी दबा तो वन बै टू ये आम टू उपर को गले गुणन जेहतु करवा टू बै वाटा वन बै टू होती टू तले कि ना मैंने टू बै वन अच्छे कि नाई तेल जब आम गुणी दबा से उपरक गले वन बै टू होता आमर यहाँ बाहर वन बै फोर तेल आमर एक्स बाहर थ्री बै टू वाई बाहर वन बै फोर तेल तुम एक्स आउ वाई रैल्यू तुमको मिलगला जोटा कि आम मनकर नहीं गोटे कलम दाम एक्स आउ गोटे पेनसिल दाम जो वाई नहीं थे गोटे कलम दाम तुम बाहर थ्री बै टू टंका आउ गोटे पेनसिल दाम तुम बाहर वन बै फोर टंका तुम अतेप लिखिदेव कौन लिख अतेप गोटे कलम दाम हो थ्री बै टू टंका आउ गोटे पेनसिल दाम हो वन बै फोर टंका बुझिपार समस्ते आम बार नंबर करवा
तो 12 नंबर क्वेश्चन देख, 12 नंबर क्वेश्चन दे पिता बयस पुत्र बयसर तीन गुण, 12 वर्ष पर पिता बयस पुत्र बयसर दुई गुण हम, तेज पिता और पुत्र वर्तमान बयस केते तो सेटा आमको पचारे। तेल आम पिता और पुत्र वर्तमान बयस को मन कर लिखिद, मनेकर पिता वर्तमान बयस को आम नहीं एक्स, तो सेटा नहीं जाओ मनेकर पितांकर वर्तमान बयस को आम नहीं केते एक्स वर्ष नहीं, तो बयस को आम नहीं गले एक्स वर्ष, ओ पुत्र वर्तमान बयस को नहीं आम वाई वर्ष नहीं, तो सेटा लिखिद पुत्र वर्तमान बयस समान वाई वर्ष। ताहले आमे ताकू माने कर नहीं गले, तापर आमे इक्वेशन बाहर कर पारिबा। ताहले लिखि दिया प्रश्न अनुसार, ताहले आमको देख प्रश्न रे कौन देजी, प्रश्न रे आमको देजी जे पितांक बयस पुत्र बयसर तीन गुण। ताहले पितांक बयस पुत्र बयसर तीन गुण आमको देजी, ताहले पितांक बयस होचे हमर एक्स वर्ष, ताहले जो एक्स टा कहाँ संगे समान हम पुत्र बयसर तीन गुण संगे, माने वाई रन गुण संगे आमर समान हम, तो एक्स इक्वाल टू थ्री वाई आमर बाहर, तो इम्प्लाइज दैट एक्स थ्री वाई को सेपट को नहीं जाओ, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वाल टू जीरो, तो यहाँ आम गोटे इक्वेसन बाहरी गला, बुझिपार। ताहले तापर पुणी आमको देजी कौन, ताहले लिखि दिया से पुनश्च पुनश्च प्रश्न अनुसार। ताहले देख पुणी आमको प्रश्न रे कौन देजी, ताहले पुणी आमको प्रश्न रे देजी जे 12 वर्ष पर पितांक बयस पुत्र बयसर दुई गुण हम। ताहले देख आमर पितांकर वर्तमान बयस केते एक्स वर्ष, देख पितांकर वर्तमान बयस होची एक्स वर्ष, देजी आमको क्वेश्चन रे जे 12 वर्ष पर, ताहले 12 वर्ष पर पितांक बयस ताहले केते हबो एक्स रे 12 मिसिब कि नाही, बुझिपार कि नाही। देख मनेकर गोटे पिलार वर्तमान बयस मु तुमको कहली 3 वर्ष, ताहले मु तुमको पचारिबी जे 12 वर्ष पर से पिलार बयस केते हबो, तमे 3 रे 12 मिसै के कहो जे से पिला को हमर केते 15 वर्ष हबो, हम कि नाही। ताहले एठी भी सेमती, जदि पितांकर वर्तमान बयस हमर एक्स होची 12 वर्ष पर तांको बयस हे जीव एक्स प्लस 12, बुझिपार एटा। ताहले हमको से ही क्वेश्चन रे जोटा कि देख 12 वर्ष पर पितांक बयस, ताहले 12 वर्ष पर पितांक बयस आमर एक्स प्लस 12 हो, बुझिपार। तापर पुणी देजे पुत्र बयसर दुई गुण हम, 12 वर्ष पर पितांक बयस पुत्र बयसर दुई गुण हम, ताहले 12 वर्ष पर पुत्र बयस भी केते हम से वाई प्लस 12 हम। तापर पुणी देजे वाई प्लस 12, तो सीटा आमर 12 वर्ष पर है। तापर जो आमको जो दे पुत्र बयसर दुई गुण हम, तो से पुत्र बयसर दुई गुण मान आमर इंटु टू हम, बुझिपारे आपको आमर समाधान कर दि, तो एक्स प्लस 12 इक्वाल टू 2 को ये गुणी दि जोटा कि 2y प्लस 24, तो इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस 12 आपको सब एपट को नहीं आस माइनस 2y माइनस 24 होपट को आसे, तो इक्वाल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 2y जोटा कि एक्स माइनस 2y 12 माइनस 24 जे आमर माइनस 12, तो इक्वाल टू 0, तो यहाँ आमर है इक्वेशन 2। ताहले आमर ये अच्छे एक्स, ये अच्छे एक्स आम सहग आगुरी ही सामान अच्छे, ताहले ये आमको किसी गुणवा दरकार नहीं, ताहले से लिखिद एक्स माइनस 3y इक्वाल टू 0, तापर एक्स माइनस 2y माइनस 12 इक्वाल टू 0, तो ये जेहेतु आमको किसी गुणवा दरकार नहीं, केवल ये सैड्रे लिखिदि जे वियोग कले, ताहले जेहेतु आम वियोग करिबा साइन चेंज हम, ये माइनस ये प्लस ये प्लस, ताहले एक्स एक्स आमर कटिला एक्स एटा माइनस एक्स हो गला, तो कटिगला माइनस 3y प्लस 2y जे आमर माइनस वाई, तापर एटा आमर प्लस 12 अच्छी, तो माइनस वाई प्लस 12 इक्वाल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इक्वाल टू 12 को सेपट को नहीं जाए जोटा कि माइनस 12, तो माइनस माइनस कैनसल होगा वाई आमर बाहर 12, ताहले वाई जो बाहर 12 आमर पुत्र वर्तमान बयस बाहर 12 वर्ष, ताहले तापर आम पितांकर वर्तमान बयस बाहर करदे वाई रैल्यू को इक्वेशन 1 कि जो 2 रे जो थे पकईदे, ताहले आम वाई रैल्यू को इक्वेशन 1 रे पकईदे। ताहले देख एबे आम वाई रैल्यू को इक्वेशन 2 रे पकईदे, तो सेटा लिखिदे वाई र मान इक्वेशन 1 रे पकईदे, वाई रान इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले, ताहले एबे आमे वाई रा मानो को इक्वेशन 1 ने पके दियो, तो एक्स माइनस 3 वाई वाई जगह 12 लिखी दियो, तो 3 इंटू 12 इक्वाल टू 0, तो
इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस 36 इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट एक्स बाहरी गला माइनस 36 एपटू को पड़े आसला जोड़ा कि 36 हो गला ताले वाई बाहर आमर 12 एक्स बाहर 36 ताले आमर पिता बयस और पुत्र वर्तमान बयस बाहरी गला ताले एटा होची कहार वर्ष एटा होची पिता वर्तमान बयस एक्स वर्ष जोड़ा कि आम नहीं पिता बयस को एक्स नहीं कि नहीं तो से पिता वर्तमान बयस एटा होची 12टा होची पुत्र वर्तमान बयस ताले समस्ते बुझिपारल 12 नंबर तो 13 नंबर क्वेश्चन देख 13 नंबर क्वेश्चन तुमको दे एक आयत क्षेत्र दैर्घ्य को 5 सेमी कमाई प्रस्त को 3 सेमी बढ़ावा द्वारा कौन हो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कमी जाऊँगी पुणी देखिए आयत क्षेत्र दैर्घ्य को पुणी जी 3 सेमी बढ़ा जा और प्रस्त को भी 2 सेमी बढ़ा जाऊँगी ताले क्षेत्रफल भी आम 67 वर्ग सेमी बढ़ी जाऊँगी पचार आयत क्षेत्र क्षेत्रफल ताल देख ये तुम दैर्घ्य कोई कमाई कौटी बढ़ाई प्रस्त को कौटी बढ़ाई प्रस्त को कौटी कमाई ताल ये कौन करवा आमको दैर्घ्य आ प्रस्त आमको जना थी दरकार कितु से आमको जना ना दैर्घ्य प्रस्त जना थे आम आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर करवा आ तार दैर्घ्य प्रस्त को कमई पार कौन गोटे पर्टिकुलर जिनस जना थे ताकू आम बढ़े पारा कि कमई पार कि आमको दैर्घ्य ही जना ना प्रस्त ही जना ना तो आम कौन करवा आम ये कौन करवा दैर्घ्य आ प्रस्त को एक्स आउ वाई नहीं जावा एक्स आउ वाई नहीं गले आम बढ़े भी पार कमे भी पार ताल आम कौन करवा आयत क्षेत्र दैर्घ्य को नहीं जावा एक्स आउ प्रस्त को नहीं जावा वाई ठीक अच्छे तेल से लिखिद मन कर आयत क्षेत्र मनेकर आयत क्षेत्र दैर्घ्य को आम नहीं कौन ना दैर्घ्य नहीं दैर्घ्य सामान एक सेंटीमीटर दैर्घ्य नहीं एक सेंटीमीटर ओ प्रस्त को कौन ना प्रस्त को नहीं जावा वाई सेंटीमीटर ठीक अच्छे ताल देख आमको जहाँ देमें एवं करयत क्षेत्र दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमाई माने आम कमे पार एक्स रु 5 सेंटीमीटर कमेले कौन हम एक्स माइनस 5 हो बुझिपार कि नहीं तो देख आमको दैर्घ्य प्रस्त मिलगला एमर क्षेत्रफल बाहरी पार क्षेत्रफल सूत्र कौन दैर्घ्य गुणन प्रस्त दैर्घ्य गुणन प्रस्त कि नहीं तो दैर्घ्य गुणन प्रस्त मानने एक्स इंटु वाई जे जोटा कि एक्स इंटु वाई जे आम कौन एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर ताल आमर क्षेत्रफल बाहर एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर ताल आमको प्रश्न में जहाँ सब देखें प्रश्न अनुसार लिखिक से आम इक्वेशन बाहर कर देख प्रश्नानुसार कौन लिखा आम लिखा जे दैर्घ्य को 5 सेंटीमीटर कमईद मानने एक्स रु 5 सेंटीमीटर कमेले कौन हम एक्स माइनस 5 हम बुझिपार कि नहीं तापरे देखिए प्रस्त को 3 सेंटीमीटर बढ़े दबा माने प्रस्त आमर वाई वाई को 3 सेंटीमीटर बढ़े वाई प्लस 3 हम ताल आमको देखिए क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कमी जाए तो दैर्घ्य गुणन प्रस्त आमर क्षेत्रफल से क्षेत्रफल फर्मूला तुमको जना अच्छी एक्स माइनस 5 होल इंटू वाई प्लस 3 आमर के हम जोड़ा कि क्षेत्रफल हम तो क्षेत्रफल पुणी देखिए 9 वर्ग सेंटीमीटर कमी जाए आमर क्षेत्रफल बाहर एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर तेल एक्स वाई रु कौन हम 9 वर्ग सेंटीमीटर कमीज बुझिपार यटा तेल आपको आम ए समाधान करदे आपको आपको गुणी दि तो एक्स होल इंटु वाई प्लस 3 तापर माइनस 5 होल इंटु वाई प्लस 3 जोड़ा कि इक्वाल टू एक्स वाई माइनस 9 तो इम्प्लायज दैट एक्स को वाई गुण जोड़ा कि एक्स वाई एक्स को 3 गुणले आमर के 3x तापर माइनस 5 वाई तापर माइनस 5 को 3 गुणले माइनस 15 इक्वाल टू एक्स वाई माइनस 9 ताल देख ये एक्स वाई अच्छी ये एक्स वाई अच्छी एक्स वाई आमर कटिगला तो इम्प्लायज दैट से लिखिद 3x माइनस 5 वाई इक्वाल टू 9 यहाँ एपटे अच्छी माइनस 9 माइनस 15 को एपटक आसे प्लस 15 होटा कि माइनस 9 प्लस 15 जे आम के जोटा कि 6 तो इम्प्लायज दैट 3x माइनस 5 वाई 6 को एपट को नहीं आस माइनस 6 इक्वाल टू 0 तो यहाँ आमर बाहरी गला इक्वेशन 1 तापर लिखिद पुनश्च प्रश्नानुसार ताले पुणी आमको जहाँ प्रश्न से अनुसार आम लिखिद पुणी आमको प्रश्न कौन देखिए दैर्घ्य को 3 सेंटीमीटर और प्रस्त को 2 सेंटीमीटर बढ़ावा द्वारा ताले दैर्घ्य को आमर 3 सेंटीमीटर बढ़े दि एक्स प्लस 3 होल इंटु वाई प्लस 2
प्रस्थ को भी 2 सेंटीमीटर बढ़ाई तो प्रस्थ को भी आम बढ़ाई वाई प्लस टू लिखिदे क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ी जाए माने आमर एक्स वाईटा कौन हम एक्स वाई 67 आमर जोग कर कहीं जेहेतु बढ़ी जाए बुझीपार आम आपको कौन करवा गुणी दबा तो एक्स होल इंटू वाई प्लस टू तापरे प्लस 3 होल इंटू वाई प्लस 2 इक्वाल टू एक्स वाई प्लस 67 तो इम्प्लाइज दैट एक्स इंटु वाई जे एक्स वाई एक्स इंटु 2 जे 2x प्लस 3 इंटु वाई जे 3y 3 इंटु 2 जे 6 तो इक्वाल टू एक्स वाई प्लस 67 तो एक्स वाई तो मोर कैंसिल तो इम्प्लाइज दैट 2x को 2x रख 2x प्लस 3y प्लस 6 67 को एपट को आने -67 इक्वाल टू 0 तापर 6 रु -67 आमर कौन फेड़ी दबा ताले देख तो सेटा लिखी दिया इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y 6 रु -67 6 रु 67 फेड़ी दिया जोटा कि आमर केते हबो -61 हबो तो इक्वाल टू 0 तो यहाँ आम पाइले इक्वेशन 2 पाइले इक्वेशन 1 मिलीगला इक्वेशन 2 भी मिलीगला एमें कौन करवा एमें इक्वेशन 1 और 2 को समाधान करदे तेल देख ये आमर कहार भी सहग सामान ना तो ये आम एक्स रहग अच्छी 3 ये अच्छे एक्स रहग 2 तेल आम इक्वेशन 1 रे 2 गुणी दे इक्वेशन 2 रे 3 गुणी दे जोटा कि आम एक्स रहग सामान होता लिखी दि इक्वेशन 1 रे 2 गुणी दि तो 2 इंटु इक्वेशन 1 तो इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 ने सब 2 गुणी दि जोटा कि 6x -5y रे 2 गुणिले -10y तापरे -6 रे 2 गुणिले -12 इक्वल टू 0 तापरे एथिरे हमर कोन गुणा हबो 3 गुणा हबो तो 3 इंटु इक्वेशन 2 तो इम्प्लाइज दैट 3 इंटु 2x जे केते 6x तापरे 3 इंटु 3y जे हमर 9y 3 इंटु -61 जोटा कि केते हम 3 को 1 रे गुण 3 3 को 6 रे गुणले 18 तो -183 इक्वाल टू 0 तापरे आपको आम कौन करवा आपको आम फेड़ी दबा तो जोटा लिखी दिया यहाँ आम वियोग कले तो जेहेतु आम वियोग करवा साइन चेंज होमर माइनस होठी भी माइनस एटी हो प्लस तेल 6x 6x कैनसल -10y -9y जोटा कि आमर -19y हो -19y -12 प्लस 183 तेल 183 12 फेड़े आमर के तो जोटा हम आमर 171 तो 171 इक्वाल टू 0 तो तापरे कौन हम आमर इम्प्लाइज दैट -19y इक्वाल टू 171 को सेपट को नहीं जाए जोटा कि -171 हो तो माइनस माइनस कैनसल हो तो y इक्वाल टू के बाहर 171 बाय 19 y संगे 19 गुणी होगी एपट को आसला हरीगला तो 171 बाय 19 जे आमर के जोटा कि हूँ आमर 9 तेल एम वाई रैल्यू को कौन पकेबा इक्वेशन 1 कि 2 जो थे गोटे पकईदेबा तो सै लिखिद वाई र इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले ये लिखिबो ताले वाई रो मान इक्वेशन 1 ने एबे पकेइ दियो तो सेटा लेखो 3x -5y तो 5y जगह रे 9 पकेबा तो -6 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 3x माइनस केते एटा 45 तापरे -6 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 3x -45 -6 जे आमर केते जोड़ा कि -51 इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट 3x इक्वल टू आमर बाहर जीव केते -51 एपड़ को आसले बाहर जीव 51 ताले x बाहर जीव केते जोड़ा कि x बाहर जीव तमर 51 बाय 3 जोड़ा कि 17 बाहर जीव बुझी पारछो ताले ता पर उडा ता पर स्टेप गुडा को मु तमर एटी कर दउ छी जोड़ा कि तमर ऑलमोस्ट कंप्लीट हे गेलै आ केवल दुईट ही स्टेप अच्छे जोटा कि तुम आंसर बाहर जीवो क्षेत्रफल बाहरी जीवो ठीक अच्छे ताले ता पर स्टेप मुझे करुची ताले देख 3x एथरु आमर x रो वैल्यू बाहर कर दियो तो इम्प्लाइज दैट x इक्वाल टू केते बाहर 51 बाय 3 इक्वाल टू आमर बाहर ला 17 ताले x बाहरी गला 17 y बाहर थिला केते y बाहर थिला 9 ताले हमें एबे क्षेत्रफल बाहर कर परबा काहे कि ना क्षेत्रफल हमर x y हेतिला कि नाही तो सेटा लेखि दियो हमर क्षेत्रफल हमर केते बाहर थिला क्षेत्रफल समान हमर बाहर थिला x
वाई वर्ग सेंटीमीटर आमर बाहर थिला, जोड़ा कि आम मनेकर एक्स वाई नहीं दैर्घ्य प्रस्थ को आम क्षेत्रफल बाहर एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर। तो तापरे आमर एक्स आउ वाई वैल्यू पुट कर दिया, एक्स बाहर आमर 17, वाई बाहर के 9, तेल 17 इंटू 9 जे के जोटा कि 153 वर्ग सेंटीमीटर। ताहले आमको पचार कौन आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जोटा कि यहाँ हूँ तुम आंसर। ताहले समस्ते बुझीपारल 13 नंबर जोटा कि आम केमी कले। ताहले तापरे आम 14 नंबर करवा। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख, 14 नंबर क्वेश्चन देती दुई जन पुरुष और तीन जन स्त्री लोक एकत्र गोटे कार्य को 5 दिन में शेष करती, से ही कार्य को 4 जन पुरुष और 9 जन स्त्री लोक एकत्र 2 दिन में शेष करती, तेबे जणे स्त्री लोक किंबा जणे पुरुष से ही कार्य को केते दिन में शेष करें, तो सेटा तुमको क्वेश्चन पचार। आमको जहाँ ये क्वेश्चन पचार मनेकर नहीं जावा, ठीक अच्छे। तेल देख आम ये आंसर लिखुचे, तो आंसर करवा तो से मन देखे समस्ते देख। तो प्रथम आम नहीं जावा मनेकर आमको जहाँ पचार मनेकर नहीं जावा, मनेकर जड़े स्त्री लोक कि जड़े पुरुष से ही कार्य को एक्स ओ वाई दिन में शेष करें, तो से लिखिदि मनेकर जड़े पुरुष ओ जड़े स्त्री लोक, पुरुष शेष कर एक्स दिन में स्त्री लोक शेष कर वाई दिन में आम नहीं जावा। तो जड़े पुरुष और जड़े स्त्री लोक गोटे कार्य को एक्स ओ वाई दिन में शेष करें, जोड़ा कि पुरुष शेष कर एक्स दिन में और स्त्री लोक शेष कर वाई दिन में आम मनेकर नहींगले। तेल यहीटा आम नहींचे जे गोटे कार्य को से एक्स आउ वाई दिन में शेष करें, आम एथर बाहर करें गोटे दिन में कार्यटीर केते अंश शेष करें, कहीं देख मनेकर आमर कार्य जोटा कि एक्स दिन में आमर टोटाल कार्यटी सर मानने एकटी कार्य सर मानते गोटे कार्य सरला, टोटल कार्यटा आमर कम्प्लीट है। तेल गोटे दिन में आमर के सर यहाँ एक्स दिन में सरला, तेल गोटे दिन में आमर के सर कार्यटीर वन बै एक्स अंश सर सर कि नहीं, तेल जदि एक्स दिन में टोटालटा सर वन दिन में मानने गोटे दिन में वन बै एक्स अंश सर जोटा कि वन बै एक्स अंश कार्यटीर सर बुझीपार्च सेमती वाई दिन में गोटे कार्य सरले वन दिन में वन बै वाई अंश सर, तेल से आम ए लिखिदा जोटा कि तुम्हें बुझीपार ताल एम से लिखिदा। तेल कौन लिखा जड़े पुरुष गोटे दिन में कार्य कर सामान केते कर गोटे दिन में कार्य कार्यटीर वन बाय एक्स अंश कार्य कर सामान केते वन बाय एक्स अंश, कहीं एक्स दिन में से जदि गोटे कार्य करुच्छे मानने टोटाल कार्यटा करें गोटे दिन में कार्यर से वन बाय एक्स अंश करमी बाहर तुमको बुझेली एवं। तेल तापर सेमती जड़े स्त्री लोक जड़े स्त्री लोक गोटे दिन में कार्य कर सामान यटा सेमती के पुरुष जमी कला कार्यटीर वन बै एक्स अंश स्त्री लोक सेमती कर कार्यटीर वन बै वाई अंश, एति बुझिपार। तो तापरे देख आमको देचे क्वेश्चन दुई जन पुरुष और तीन जन स्त्री लोक, ताहले जणे पुरुष गोटे दिन में जदि वन बै एक्स अंश करुच्छे कार्यर ताहले दुई जन पुरुष गोटाए दिन में कार्यटीर केते अंश करेंगे टू बै एक्स अंश, सेमती तीन जन स्त्री लोक गोटाए दिन में केते कार्य करेंगे थ्री बै वाई अंश, बुझिपार ताहले सेटा लिखिद जोटा कि कौन लिखा दुई जन पुरुष ओ तीन जन स्त्री लोक जोटा कि गोटे दिन में कार्य केते करिबे, तो सेटा लिखि दियो वन दिन रे कार्य करिबे समान, ताहले केते करिबे जोटा कि दुई जन पुरुष माने टू बाय एक्स टू बाय एक्स, तीन जन स्त्री लोक माने थ्री बाय वाई टू बाय एक्स ओ थ्री बाय वाई अंश कार्यटी को करेंगे, माने दुई जन पुरुष करेंगे टू बै एक्स अंश और तीन जन स्त्री लोक करेंगे थ्री बै वाई अंश कार्य करेंगे। त
ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି ସମାନ କେତେ ଦିନରେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି ସମାନ 5 ଦିନରେ। 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟର କେତେ ଅଂଶ କରିବେ? ଯଦି 5 ଦିନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଶେଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 ଦିନରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମାନ। ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମାନ, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ହେବ, ଆମର ହେବ 1/5 ଅଂଶ। ମାନେ 5 ଦିନରେ ଯଦି ସେ ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କେତେ ଅଂଶ, 1/5 ଅଂଶ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମକୁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାହାର କଲେ 2x ଓ 3/y ଅଂଶ। ମାନେ ସେମାନେ ମିଶିକି ତାହେଲେ କେତେ କରନ୍ତି, 2x ପ୍ଲସ୍ 3/y ଅଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କେତେ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଲେଖୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏଠି ବାହାର କରିଛେ। ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମାନ 2/x ଆଉ 3/y ଅଂଶ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଏତିକି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲେଖ, ସେଇଟା ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି, 2/x ପ୍ଲସ୍ 3/y ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମିଶିକି କଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମିଶିବ କି ନାହିଁ, 2/x ପ୍ଲସ୍ 3/y ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଇଟାର କେତେ କରନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ 1/5 ଅଂଶ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟର। ଏଇଟା ଯେମିତି ଆମ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲା, ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ନେଇଥିଲେ 2/x ଆଉ 3/y ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ, ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଦିନରେ ସେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର 1/5 ଅଂଶ ସେ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ବାହାରିଲା କ'ଣ, 1/5। ତାହେଲେ 2/x ପ୍ଲସ୍ 3/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/5, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ବାହାରିଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ତୁମର କେମିତି ବାହାରିଲା? ଏଇଟା ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ବୁଝିବ। କେୟାରଫୁଲି ବୁଝିଲେ ତୁମେ ନିଜେ ବି ଥରେ ବୁଝିଗଲେ ତୁମେ ନିଜେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ଏତିକିରେ ଆଉ ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ଆମେ ମନେକର ନେଇଗଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦିନରେ ଶେଷ କଲା। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଏକ୍ସ ଆଉ ୱାଇ ଦିନରେ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କେତେ ଶେଷ କରିବେ, 1/x ଅଂଶ 1/y ଅଂଶ ଶେଷ କରିବେ। ତାହେଲେ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ 1/x ଅଂଶ ଶେଷ କରୁଛି, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ 2/x ଅଂଶ ଶେଷ କରିବ, ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ 1/y ଅଂଶ ଶେଷ କଲା, ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ 3/y ଅଂଶ ଶେଷ କରିବ। ତାପରେ ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି 5 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, 1/5 ଅଂଶ କରିବେ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମିଶିକି। ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଗଲା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, 2/x ପ୍ଲସ୍ 3/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/5। ବୁଝିପାରିଲା ଏତିକି? ତ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବାହାର କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଆକୁ ମୁଁ ଲିଭାଉଛି, ତୁମେ ଏତିକି ଯଦି ଖାତାରେ ବି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିପାର, କିମ୍ବା ଯଦି ବୁଝିଗଲ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାର, ତ ଆକୁ ମୁଁ ଲିଭାଉଛି। ଆଉ ପର ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ସେଇଠୁ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାହାରିଥିଲା 2/x ପ୍ଲସ୍ 3/y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର ବାହାରିଥିଲା 1/5, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ତୁମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଖାତାରେ ବି ଲେଖିଦେଇଥିବ, ବା ତୁମେ ଯଦି ନିଜେ ବି ଯଦି କରୁଥିବ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଝିସାରିଥିବ ଯେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ପରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4 ଜଣ ପୁରୁଷ 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏକତ୍ର 2 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 9 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିର କେତେ ଅଂଶ ଶେଷ କରିବେ, କେତେ ଅଂଶ ଶେଷ କରିବେ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଓ ତିନି ସ୍ତ୍ରୀ,
से कार्यटीर केते अंश शेष कले मु तुमको कहली जोटा कि 2/x ओ 3/y अंश शेष कले कि नहीं पुरुष शेष कला 2/x अंश स्त्री शेष कला 3/y अंश जोटा कि आम बाहरी पूर्व एटी सेमती चारज पुरुष तालोले देख चारज पुरुष ओ कौन दे 9 जन स्त्री ताले केते शेष करिवे एठी सेमिति अमर कोन 4/x अंश 4/x अंश के शेष करिवो पुरुष शेष करिवो 4/x अंश स्त्री शेष करिवो केते 9/y अंश शेष करिवो बुझि पारछो ताले एबे सेटा आमे धारा रे लेखि दबा ताले से पुन लेख पुनश्च से लेखि दियो 4 जन पुरुष ओ 9 जन स्त्री लोक गोटे दिन रे कार्य करिबे समान ताले 4 जन पुरुष और 9 जन स्त्री लोक गोटे दिन रे केते कार्य करिबे 4/x ओ 9/y अंश कार्यटीर करिबे माने कौन पुरुष कर 4/x अंश स्त्री कर 9/y अंश ताल बुझिपार तापर पुणी आमको क्वेश्चन देते से 4 जन पुरुष 9 जन स्त्री लोक 2 दिन में कार्यटी को शेष करते जोटा कि आमको क्वेश्चन ने देटा आम बाहर कले जोटा कि आम मन कर नहीं से आम बाहर कले क्वेश्चन पुणी जहाँ देखा प्रथम लिखिदेव तो सैटा लिखिदि किंतु आमको क्वेश्चन ने देजे 4 जन पुरुष ओ 9 जन स्त्री कार्यटी को करती समान केते दिन रे 2 दिन रे ताले 4 जन पुरुष 9 जन स्त्री कार्यटी को कले केते दिन रे 2 दिन रे कले ताले गोटे दिन रे केते सरिबो जदि 2 दिन रे से कार्यटी को करुचंती ताले गोटे दिन रे केते से करिवे गोटे दिन रे करिवे समान जोटा कि लिखिबो गोटे दिन रे 4 जन पुरुष 9 जन स्त्री लोक कार्यटी को करिवे समान केते अंश 1/2 अंश बुझि पारलो ताले एबे लिखि दियो प्रश्न अनुसार जोटा कि कोन प्रश्न अनुसार 4/x जोड़ा कि से मिसिके करेंगे ना 4/x प्लस 9/y मिसिके कले ये मिसीगला 4/x प्लस 9/y होगा तो अंश करते जोटा कि क्वेश्चन अनुसार 1/2 अंश ठीक है 1/2 तो यहाँ तुम बाहर गला कौन ये तुम बाहर गला इक्वेशन 2 ताल देख यहाँ तुम इक्वेशन 1 यहाँ इक्वेशन 2 एवं आम इक्वेशन 1 आउ 2 को समाधान करदे ताल देख मुझे समाधान करदे आपको लिभौती तो आम इक्वेशन 1 आउ 2 को समाधान करदे ठीक अच्छे ताहले आमर इक्वेशन 1 कौन थिला इक्वेशन 1 थिला 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1/5 थिला इक्वेशन 1 थिला तापर इक्वेशन 2 कौन थिला इक्वेशन 2 थिला 4/x प्लस 9/y इक्वल टू 1/2 जोड़ा कि आम बाहर इक्वेशन 1 आउ 2 ताल एबे आम इक्वेशन 1 आउ 2 को समाधान करदे जोड़ा कि देख ये अच्छे 2 ये अच्छे 4 ताल ये आम गोटे 2 गुणीदे तो आम 4 समान हो मानने सहक समान ताल से कौन करवा जोड़ा कि 2 इंटू इक्वेशन 1 तो इम्प्लाइज दैट जोटा कि कौन हो 4/x प्लस 3/y इंटू 2 जे के 6/y इक्वल टू 2 इंटू 1/5 जे आमर 2/5 तापर एथिरे आमर 1 गुणी दियो तो 1 इंटू इक्वेशन 2 तो इम्प्लाइज दैट 4/x रे 1 गुणले से 4/x तापर प्लस 9/y इक्वल टू 1/2 ताले आपको आमे कौन करिबा एबे वियोग करदेबा तो साइन एटे लिखि दियो वियोग कले ताले वियोग कले आमर कौन हम साइन चेंज हो कटिगला तापर एठी सेमती माइनस एठी सेमती माइनस तो 6/y माइनस 9/y जे केते आमर माइनस 3/y तो इक्वल टू 2/5 तो यहाँ लिखि दियो 2/5 माइनस 1/2 तो यहाँ को एबे फेड़ी दबा जोटा कि देख इम्प्लाइज दैट माइनस 3/y इक्वल टू तले लस को जी के 10 तो 10 रे 5 हरले 2 2 इंटू 2 जे 4 तो 4 माइनस 10 को 2 हरले 5 5 के 5 तो जोटा कि आम कौन हम माइनस 1/10 है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो वाई की
वन रे गुणी दियो तो देख ये माइनस अच्छे माइनस अच्छे प्रथम माइनस माइनस काटि दियो ठीक अच्छे तेल वाई को वन रे गुण है वाई थ्री को टेन रे गुण है आम थ्री तेल वाई बाहरी गला आम थर्टी तेल एवं वाई रैल्यू को इक्वेसन वन ने टू रे जो थे पक दिखे आम ए वाई रैल्यू को इक्वेसन वन ने पकईदे तो से लिख वाई रान इक्वेसन वन प्रयोग कले ताले वाई रान को आम इक्वेसन वन ने पकईदे तो देख टू बाय एक्स प्लस थ्री बाय वाई वाई जगह थर्टी पकई दियो तो इक्वल टू वन बाय फाइव द इम्प्लाइज दैट टू बाय एक्स प्लस थ्री बाय थर्टी को काटि दियो वन एटा है टेन ताले एटा को प्लस न लिखिके एटा को लिखि दियो इक्वल टू वन बाय फाइव वन बाय टेन को एपड़ को नहीं आस जोटा कि माइनस हो बुझिपारल ताले इक्वल टू लस आगे गला टेन टेन को फाइव रे हरले टू टू इंटु वन जे टू तापर माइनस टेन को टेन हरले वन वन इंटु वन जे वन जोटा कि बाहर आमर वन बाय टेन द इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो एक्स को वन रे गुण जोटा कि आमर एक्स तापर टू को टेन रे गुण जोटा कि आमर ट्वेंटी तो एक्स इक्वाल टू बाहर ट्वेंटी तेल तुम वाई बाहरी गला थर्टी एक्स बाहरी गला ट्वेंटी आम जोटा को मन कर नहीं आम मन कर कौन नहीं मन कर नहीं जड़े पुरुष गोटे कार्य को शेष करुच एक्स दिन में जोटा कि आम बाहरी गला ट्वेंटी दिन में आ जड़े स्त्री लोक गोटे कार्य को शेष कर वाई दिन में आम मन कर नहीं जोटा कि बाहरी गला तीस दिन में तेल अतेप लिखिद कौन लिख अतेप अतेप लिख जड़े स्त्री लोक किंबा जड़े पुरुष से ही कार्य को प्रथम स्त्री लोक लिखीचे स्त्री लोक को आम वाई नहीं स्त्री लोक शेष करेंखिब जड़े स्त्री लोक किंबा जड़े पुरुष से ही कार्य को यथाक्रमे तीस दिन में और कोड़े दिन में शेष करें मन रहा अतेप कौन लिखे अतेप लिखे जड़े स्त्री लोक किंबा जड़े पुरुष से ही कार्य को यथाक्रमे तीस दिन में और कोड़े दिन में शेष करें बुझीपाल चौदह नंबर यहाँ तुम बहुत ही इंपोर्टेंट ताको भलसे प्राक्टिस करदेव कहीं प्राक्टिस न कले तुम भूली जीव ताहले देखो पंदर नंबर क्वेश्चन तुमको कौन दे पंदर नंबर क्वेश्चन दे ए ओ बी एकत्र काम करी गोटे कार्य को आठ दिन में शेष करती ए आउ बी गोटे कार्य को मिसिकी काम कले आठ दिन में शेष करपारतीत्र कार्य आरंभ करी तीन दिन कार्य करने ए चलीगला और अवशिष्ट कार्य को बी एका आउ पंदर दिन में शेष कला प्रत्येक एकाकी काम कले के दिन में कार्य को शेष करें देख आपको आम के करवा तो प्रथम आमको जहाँ पचारा को मन कर नहीं जाए आम नहीं मन कर ए कार्यटी को एक्स दिन में शेष करें बी कार्यटी को वाई दिन में शेष कर जोटा कि आमको पचार एकाके काम कले के दिन में कार्य को शेष कर तो आम से मन कर नहीं जा लिखिद मन कर ए ओ बी कार्य को तो ए ओ बी कार्य को एक्स ओ वाई दिन में करें माने ए कार्य को करपर एक्स दिन में ओ बी कार्य को करपर वाई दिन में बोली आम मन कर नहींगले ताहले तापर देख जदि ए कार्य को शेष कर पार्चे एक्स दिन में ताहले ए गोटे दिन में केते कार्य शेष कर वन बाय एक्स अंश बी कार्य को गोटे दिन में केते शेष कर वन बाय वाई अंश जोटा कि मुझे तुमको चौदह नंबर रे भी बुझे थी तुम जी से क्लास देखने भी देखिपार जो थे कि आ प्रिभस गणित सब आम करते हैं ए और बी जदि ए जदि कार्यटी को एक्स दिन में करें गोटे दिन में ए केते करपर कार्यटी वन बाय एक्स अंश करपर तो सेटा लिखिद ए ओ बी गोटे दिन में वन दिन में कार्य करी परिबे समान तहले अमर ए गोटे दिन रे केते कार्य करी परिबो वन बाय एक्स अंश वन बाय एक्स अंश ओ बी को बी गोटे दिन रे केते कार्य करी परिबो वन बाय वाई अंश तो ओ वन बाय वाई अंश ताल ये आम बाहर करदे गोटे दिन में मिसिक गोटे दिन में कते कार्य करेंगे ए शेष ए कार्य शेष करान बै एक्स अंश बी कार्य करान बै वाई अंश तेल मिसिक करेंगे वन बै एक्स प्लस वन बै वाई अंश तो सहीटा आम प्रश्नानुसार लिखला बेले लिखिद ठीक अच्छे तेल तापर आमको क्वेश्चन ने जहाँ देखा लिखा क्वेश्चन आमको दे ए बी एकत्र कम कर गोटे कार्य को आठ दिन में शेष करपारती आम अनुसार आम के बाहर कले
वन बै एक्स प्लस वन बै वाई अंश से गोटे दिन में कर किंतु आमको क्वेश्चन ने देई जे सेमाने गोटे कार्य को आठ दिन रे शेष करचुंदी ताले गोटे दिन रे केते शेष करबे 1 बाय 8 अंश कार्य रे शेष करबे ताले सेटा आमे लेखि दबा लेख ए ओ बी कार्य को शेष करंती समान केते दिन रे आमको क्वेश्चन देई छि शेष करती सामान आठ दिन में बोली आमको क्वेश्चन देखे आठ दिन में से जी गोटे कार्य शेष करदे ताले गोटे दिन में केते करिबे गोटे दिन में ए ओ बी करिबे समान केते करिबे कार्यटीर वन बाय एट अंश करिबे बुझिपारच ताले एबे देख प्रश्नानुसार देख आम अनुसार बाहर वन बै एक्स आन बै वाई ताल मिसई दे वन बै एक्स प्लस वन बै वाई इक्वाल टू के क्वेश्चन कितनी से मिसिकी वन बै एट अंश करेंगे तेल आपके सागे वन बै एट सामान कि ना जोटा कि यहाँ आम बाहर करे ये क्वेश्चन देखिए दुईटा को आम सामान कर समाधान कर बुझिपार्च तो यहीटा को इक्वेशन वन दे दियो ताहले देख तापर आमको पुनी क्वेश्चन देखे से मैंने एकत्र कार्य आरंभ करी तीन दिन कार्य करने ए चलीगला से मैंने मिसिकी जो कार्य कले से मिसिकी तीन दिन ही कार्य कर ए छाड़ी चलीगला ताहले सेटा लिखि दियो ए कार्य करी समान ताहले ए केते दिन कार्य कर ए केते दिन कार्य करछि ए तीन दिन कार्य करछि से माने जो मिसिकी कार्य आरंभ कले से माने मिसिकी ताले जो ए भी कार्य करथिला बी भी कार्य करथिला ए तीन दिन कार्य करछि बी भी तीन दिन कार्य करछि तीन दिन सहिला परे ए कोन कला ना छाड़ी की पळैला ताले ए ताले केते दिन कार्य करछि तीन दिन कार्य करछि ताले ए कार्य करछि समान तीन दिन बुझिपारच ताले बी कार्य करछि केते दिन बी कार्य करछि समान केते दिन कह मते बी कार्य करछि समान केते दिन करछि फास्ट रु तीन दिन करथिला जोटा कि से माने मिसिकी करथिले से तबले जो ए तीन दिन कार्य कला बी भी तो तांको ता संगे मिसिकी करथिला कि नै ताले बी फास्ट रु तीन दिन करछि तापर पुणी देछि क्वेश्चन ने देख अवशिष्ट जो ए चलीगला पर मैंने तीन दिन पलैला तीन दिन पर जो ए पलैला तापर जो अवशिष्ट कार्य बढ़ीगला ए जो छाड़ी पलैला जो अवशिष्ट कार्यटा बढ़ला किए गला बी एका गला जोटा कि पंदर दिन में शेष कला ताले बी तीन दिन कम कर सारिकी पुणी आउ पंदर दिन कम कर ताहले से टोटल केते काम करछि तीन दिन फास्ट काम करथिला ता ए संगे मिसिकी तापर एका कला पंदर दिन ताहले टोटल करछि से अठर दिन से काम करछि बुझिपारछ ताहले बी कार्य करछि समान थ्री प्लस फिफ्टीन समान अठर दिन से कार्य करछि बुझिपारल अठर कौटू आसला से फास्ट रु तीन दिन करथिला तापर ए छाड़ी चलीगला पर आउ पंदर दिन से एकुटिया करछि ताहले टोटल से केते करछि अठर दिन कार्य करछि ताहले एबे देखो आमे ताहले ए कार्य करछि तीन दिन ताहले ए तीन दिन रे कार्यटीर केते अंश करथिबो एठी आमे बाहर करछि देख ए जदि गोटे दिन रे कार्य करूछि 1 बाय एक्स अंश देख गोटे दिन रे ए कार्य करूछि 1 बाय एक्स अंश जोटा कि बाहर करछि ताहले ए कार्य करछि तीन दिन ताहले तीन दिन रे से केते करथिबो 3 बाय एक्स अंश करथिबो कि नै ताहले सेटा आमे तापरे लिखि देबा बी सेमती गोटे दिन रे कार्य करछि केते गोटे दिन रे बी करुची वन बाय वाई अंश जोटा कि आम बाहर करछि ताले अठर दिन रे से केते करिवो अठर बाय वाई अंश करिवो बुझिपारच ताले एटा को आमे एबे धारा रे लिखि दबा तो आकु सब मुबे लिभौची तापरे आमे आकु धारा रे लिखि दबा जोटा कि ए तीन दिन जदि ए कार्यटी को जदि से तीन दिन कार्य करछि ताले तीन दिन रे कार्यटीर थ्री बाय एक्स अंश करछि बी सेमती अठर दिन रे कार्यटीर एटीन बाय वाई अंश करछि त सेटा को आमे एबे धारा रे लिखि दबा ताहले एबे सेटा लिखि दबा ताहले आमे कोन लिखिबा ए तीन दिन रे कार्य करिबो समान कार्यटीर केते अंश करिबो थ्री बाय एक्स अंश करिबो त ए तीन दिन रे कार्य करिबो समान थ्री बाय एक्स अंश सेमिति मुआकु लेखुनी तमे लिखिबो कार्य करिबो समान ताहले केते आमर एटीन बाय वाई अंश त एटीन बाय वाई अंश ताहले प्रश्नानुसार आमर कौन होटा कि प्रश्नानुसार थ्री बाय एक्स प्लस
18 by y equal to amar bahar jiba 1 kahiki na amar jo a 3 din karja kala 3 by x ansa mane a jo 3 din kari ki kama chhadi ki palaila se kete kama kari ki jaithila 3 by x kama kari ki jaithila tapare b kala 18 by y kama kete din re 18 din re kala tale e jo amar 3 din kama kala ki a kama kala 18 दिन काम कला के बी 18 दिन काम कला ताहले जो 3 दिन ए काम कला और बी 18 दिन काम कला एतिके दिन रे हमर कार्यटा सरी गला कि नाही ताहले टोटल कार्य हमर केते टोटल कार्य होचे हमर 1 टोटल कार्य रु ए करची 3/x अंश बी करची 18/y अंश ताहले सेडा हमें लिखि देले 3/x + 18/y = 1 जेहेतु टोटल कार्य होची 1 ए टोटल कार्य रो ए करची केति के अंश ए करची 3/x अंश बी करची 18/y अंश बुझि पर ताहले सेटा को हमें मिसे के लिखि देले 3/x + 18/y = 1 तो एटा को एबे दे दियो इक्वेशन 2 दे दियो हमर इक्वेशन 1 बाहर थिला एबे इक्वेशन 2 बाहर गला ताहले हमर इक्वेशन 1 कोन बाहर थिला जोटा कि मु भाबु छी तमे खाता रे लिखि दिबो हमर इक्वेशन 1 बाहर थिला 1/x + 1/y = 1/8 हमर इक्वेशन 1 बाहर थिला ताहले एबे हमें इक्वेशन 1 आउ 2 को समाधान कर देबा जोटे कि एठी अछि हमर 1 एठी अछि 3 ताहले एठी हमें गोटे 3 गुणी देले हमर एटा 3/x आउ एठी भी 3/x हे जइबो जोटा कि हमर कटि जइबो ताहले से करबा हमर इक्वेशन 1 रे 3 गुणी देबा त सेटा लिखि दियो 3 * इक्वेशन 1 त इंप्लाइज दैट 3/x प्लस 3/y इक्वल टू 3/8 हे जइबो जोटा कि इक्वेशन 1 रे हमर 3 गुणीले तापर एठी हमर किछु गुणीबा दरकार नै तो 1 * इक्वेशन 2 त इंप्लाइज दैट जहा को से लिखि दियो 3/x प्लस 18/y इक्वल टू 1 तो एटा के हम कोन करबा वियोग करबा त सेटा लिखि दबो वियोग कले ताले एठी हमर हे गला माइनस एठी भी माइनस एठी भी माइनस त 3/x 3/x हमर कैंसिल 3/y माइनस 18/y जोटा कि हमर केते माइनस 15/y तापर इक्वल टू 3/8 माइनस 1 तो सेटा सेम लिख 3/8 माइनस 1 को हमर कोन समाधान कर दियो तो तले लॉस आ जइबो 8 ऊपर रहइबो केते 3 एपर रहइबो 8 तो हमर बाहर ला केते माइनस 5/8 तो हमर माइनस 15/y इक्वल टू बाहर ला माइनस 5/8 तो एबे आकु हमर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तमे समाधान करि परिबो माने y की गुणा माइनस 5 रे तो सेटा केते हबो माइनस 5y हबो हबो कि नै तो इंप्लाइज दैट लिखि के आ तळे लिखिबो एटा माइनस 5y इक्वल टू 8 को हमर 15 रे गुणी दियो त 15 अष्ट हमर केते 120 तो सेटा लिखि दियो माइनस 15y इक्वल टू 15 को तापर हमें 8 रे गुणीले तो सेटा हमर हे गला 120 जोटा कि एठी जो माइनस अछि त सेति पई हमर रहिबो माइनस 120 तो माइनस माइनस कैंसिल हे गला तो इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 120/5 टाइम एपड को आसेले कोन हबो हरी हिजब त 120/5 जे हमर केते जोटा कि 24 जोटा कि 24 पंचा हमर 120 कि नै त हमर y भारी गला 24 ताहले एबे हमें कोन करबा y रा मान इक्वेशन केते रे प्रयोग करबा इक्वेशन 1 रे प्रयोग कर देबा त सेटा तमे लेखिबो y रो मान इक्वेशन 1 रे प्रयोग कले जेमती धारा रे लिखिता सेमती लेखिबो तहले एबे आमे y रो मान को इक्वेशन 1 रे पकेइ दियो त इक्वेशन 1 हमर केते 1/x + 1/y इक्वल टू 1/8 त सेटा लेखि दियो 1/x + 1/y जगह रे हमर 24 पकेइबो जोटा कि हमर बाहर छि y इक्वल टू 24 तो 1/x + 1/24 इक्वल टू 1/8 तो इंप्लाइज दैट 1/x इक्वल टू केते भरिबो 1/8 माइनस 1/24 हे जइबो 1/24 एपुड को आसेले माइनस 1/24 हे गला ताको एबे लॉस आगु नै जा तळे लॉस आगु जइबो हमर केते 24 एपडे हमर 3 एपडे हला 1 तो बाहर ला केते 2/24 जोटा को कि हमर काटि दियो एटा 2 रे कटिबो 1 एटा 2 रे कटले हला हमर 12 ताले देखो 1/x जदि हमर 1/12 भारची ताले हमर x केते भारिबो जोटा कि देखो हमर x केते भारिबो x हमर 12 भारिबो बुझ पारला ताले एटा ही होचे तमरो x रो वैल्यू ताले x रो वैल्यू बाहरला तमरो 12 y रो वैल्यू हमर बाहर दिला एटा 24 ताले आमे जो मने कर नै थिले कोन मने कर नै थिले ए कामटी को शेष करिबो x दिन रे ताले
आमर एक्स बाहरी गला केते 12 वाई बाहरी गला 24 तो एबे तमे अतेप लेखि दबो कोन अतेप लेखिबो अतेप लेखिबो जे ए एकाकी कार्यटी को जोडा के लिखाइ छि ए एकाकी काम कले केते दिन रे शेष करिबो जोडा कि ए एकाकी काम कले 12 दिन रे शेष करिबो ओ बी एकाकी काम कले केते 24 दिन रे शेष करिबो तले एटा तमे अतेप रे लेखि दबो तले समस्त बुझी पाला 15 नंबर तो तापरे आमे 16 नंबर करिबा तो तापरे 16 नंबर क्वेश्चन देख 16 नंबर क्वेश्चन दीजिए ए ओ बी रा आयर अनुपात 8:7 आउ बेयर अनुपात केते बेयर अनुपात देजे 19:16 जदि उभय 1250 टंका संचय करि पारंती तेबे सेमानकर आय निर्णय कर ताहेले देख एठी हमको अनुपात रे दे दीजिए तेल ए बी रा आयर अनुपात आमको देजे 8:7 ताहले आमे नहीं जीवा ए आउ बी रा आयर को नहीं जीवा आमे ए रा आयर को नहीं जीवा 8x आउ बी रा आयर को नहीं जीवा 7x जोड़ा के आमे मन करो नहीं जीवा ताहले सेटा लिखी दियो जोड़ा के मन करो ए ओ बी रा आयर समान 8x ओ 7x टंका माने ए र आय को आमे नै गले 8x आ बी र आय को नै गले 7x तापर सेमती बेयर भी अनुपात दे दे छी त सेटा लिखि दियो ए ओ बी र बेयर समान ताकु भी माने कर नै जिबा ए र बेयर को आमे केते नबा ए र बेयर को नै जिबा 19y त 19y ओ सेमती बी र बेयर को नै जिबा आमे 16y 16y टंका ताहले आमे आयो को नै गले 8x आउ 7x टंका बेय को नै गले 19y आउ 16y टंका ताहले आमको संचय केते देइछि 1250 टंका जोटा कि आमको प्रश्न रे देइछि ताहले आमे जानिछि जे आयो रु बेय को आमर जदि फेडी दबा आमर संचय हबो माने गोटे लोक 8x टंका कोन गला आयो कला जोटा कि एटा होछि तारो आयो व्यय केते व्यय माने ए रा आय केते 8x ए रा व्यय केते 19y ताहले ए 8x रु 19y के हम जदि फेडीबा ताहले आरो कोन बाहरिबो आय रु व्यय जदि हमें फेडीबा हमर कोन बाहरे संचय बाहरिबा माने से एतिकी टंका आय कला एतिकी टंका खर्च कला ताहले आय रु खर्च को फेडी देले हमर संचय बाहरिबो माने आय रु व्यय को फेडी देले हमर संचय बाहरिबो ताहले एबे आमे कोन करिबा 8x रु 19y फेडी दियो जोडा कि फेडीले हमर क्वेश्चन ने किंतु देइछि जे से माने उभय 1250 टका संचय करंती ताहले सेटा लेखि दियो प्रश्न अनुसार 8x माइनस 19y जे केते 1250 जोडा कि हमको प्रश्न रे देछि ताले एटा तमर बाहर गला इक्वेशन 1 सेमती इक्वेशन 2 बाहर कर दिया जोटा कि 7x माइनस 16y एटा हमें ए रो बाहर कले तापरे पुणी लेखि दियो पुनश्च कोन 7x माइनस 16y इक्वल टू से 1250 कहीं ना उभय से संचय कर तो दुई जन 1250 आर भी संचय 1250 आर भी संचय 1250 तो आपको दे दियो इक्वेशन 2 दे दियो ताहले एबे देख हमरा सहग समान नहीं ताले आर सहग आमे केमिति समान करिबा जोड़ा कि एटी आम एक्स रग अच्छे 8 एटी अच्छे एक्स रग 7 ताल एम 7 गुणी देवा एथे 8 गुणी देने आमर सहग सामान तो सेटा लिखि दियो एटी आम 7 गुणीबा तो 7 इंटू इक्वेशन 1 तो इम्प्लाइज दैट 7 को 8 रे गुणले केते आमर 56x तापर माइनस आमर 19 सता केते जोटा कि आमर 133 एटे लिखि दियो माइनस 133y तापर 1250 को 7 रे गुणीब तो 1250 को 7 रे गुणिले आमर केते बाहर जोटा कि आमर बाहर 8750 बाहर तो 1250 रे तुम्हें 7 को गुणी दबा जोटा कि बाहर 8750 ताहले तापर आम इक्वेशन 2 रे 8 जो 8 गुणीबा तो 8 इंटू इक्वेशन 2 तो इम्प्लायज दैट 856 तो यहाँ है 56x तापर माइनस यहाँ आमर के 16 अष्ट आमर के जोटा कि 16 अष्ट हूँ 128 तो यहाँ आमर हो 128y तो इक्वाल टू ये पुणी आमर 1250 के गुणब 8 गुणब जोटा कि 1250 8 को गुणब जोटा कि आमर के बाहर 1250 को 8 रे गुणी दब जोटा कि तुम 10000 बाहर ताहले एबे आमर एक्स रा सहग समान हो गला ताहले आपको आमे एबे फेडी दबा तो ये साइड रे लिखि दियो वियोग कले
तो ये आम साइन चेंज कर दियो, ये जीवा माइनस, ये माइनस हो जाए प्लस, ये आम माइनस हो तो 56x ये माइनस 56x कटिगला तो माइनस 133y प्लस 128y जोड़ा कि आम के हम माइनस 5y तो इक्वल टू आमर 8750 माइनस 10000 तो कैसे बाहर जोड़ा कि तुम्हें 10000 रु 8750 फेड़ीदेव जोड़ा कि 1250 बाहर तो आमर हम यहाँ माइनस 1250 तो माइनस माइनस कैनसल वाई के बाहर वाई बाहर 1250 बाय 5 ताल 1250 को 5 रे हरिदेव तो 1250 को 5 रे हरिले तुम के बाहर 1250 को 5 रे हरिले तुम बाहर 250 तो सेटा लिखि दियो वाई बाहर आमर 250 ताल एबे आमे कौन करबा वाई रो वैल्यू को वाई रो मान इक्वेशन 2 रे पकाई दियो तो सेटा लिखिबो वाई रो मान इक्वेशन 2 रे प्रयोग कले एटा लिखिबो ताल इम्प्लाइज दैट आम इक्वेशन 2 रे पकाई दियो 7x माइनस 16 इंटु 250 वाई जगह 250 पकईदे इक्वाल टू 1250 तो इम्प्लाइज दैट 7x माइनस 16 को 250 रे गुणीदेव ताल 16 को 250 रे गुणिले तुमर के बाहर 16 को 250 रे गुणिले बाहर 4000 तो इक्वाल टू 1250 तो इम्प्लाइज दैट 7x इक्वाल टू 4000 को नहीं 1250 मिसेदेव जोटा कि 1250 प्लस 4000 तो 1250 आम कौन करवा 4000 को ये मिसई दि तो 1250 4000 को मिसेले केते बाहर जोड़े कि आमर बाहर 5250 ताल 7x आम बाहर 5250 ताल एबे देख ये 7x एति जो बाहर एमें एक्स रैल्यू बाहर कर तो इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वाल टू 5250 बाय 7 5250 बाय 7 जोटा कि 5250 7 को हरिदेव हरिले तुमर के बाहर बाहर 750 तुम्हें हरिकी देख 5250 7 को हरिले तुम बाहर 750 ठीक अच्छे तेल आमर यहाँ एक्स बाहर आमर दरकार कौन आमर दरकार पचारे से आय निर्णय कर तेल आम नहीं ए रय को 8x तो सेटा लिखिद ए रय सामान के 8x तो इक्वाल टू 8 इंटू 750 तो 750 8 गुणव जोड़ा कि तुम बाहर 6000 टंका तापरे बी राय बाहर कर दियो तो बी राय समान केते बी राय 7x टंका तो बी राय होची 7x तो इक्वाल टू 7 इंटू 750 तो 750 7 गुणीदेव बाहर तुम 5250 टंका ताले कौन एटा होची तुम आंसर बाहर जोटा कि से आय पचार तो ए रय होची तुम के 6000 टंका बी रय होची 5250 टंका ताले समस्ते बुझी पारला 16 नंबर ताले देखो तुम 17 नंबर क्वेश्चन कौन दे 17 नंबर क्वेश्चन तुमको दे 5 वर्ष पर पितार बयस पुत्र बयसर 3 गुण हम ओ 5 वर्ष पूर्वे पितार बयस पुत्र बयसर 7 गुण थी तेज से वर्तमान बयस के पचारे मुझ तुमको पूर्व भी कही जहाँ तुमको पचारेटा को आम मन कर नहीं जाने आम पितार वर्तमान बयस को नहीं जा एक्स वर्ष पुत्र वर्तमान बयस को नहीं जा वाई वर्ष ताले सेटा लिखि दियो मन कर पितार पितांकर वर्तमान बयस आम नहीं जा के एक्स वर्ष नहीं जा तो मन कर पितार वर्तमान बयस समान एक्स वर्ष ताले पितार नहीं गले एक्स वर्ष ताले तापरे पुत्रर केते नबा वाई नहीं जा तो सेटा लिखि दियो ओ पुत्रर वर्तमान बयस समान वर्तमान बयस समान केते नबा पितांकर वर्तमान बयस जेहेतु एक्स नेले पुत्रर वर्तमान बयस को केते वाई नहीं जीवा तो आम मन कर नहीं गले तापरे देखो हमको जहाँ क्वेश्चन दे तो आम से अनुसार कर लेख प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार जहाँ आमको क्वेश्चन देख दे 5 वर्ष पर पितार बयस माने 5 वर्ष पर पितांक बयस केते हबो जदि वर्तमान बयस होची हमर एक्स वर्ष ताले 5 वर्ष पर पितांक बयस केते हिजबो एक्स प्लस 5 वर्ष हिजबो
ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ପୁତ୍ରର ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେବ, ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁତ୍ରର ବି ବୟସ କେତେ ହେବ। ପୁତ୍ରର ଏବେ ବୟସ 5 ବର୍ଷ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 5 ବର୍ଷ, ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ 5+5 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ଯେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେବ, ମାନେ 5+5ରେ ଆମର 3 ଗୁଣ ହେବ। କାହିଁକି ଗୁଣ ହେବ? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଆମର ଦେଇଛି ଯେ ପିତାଙ୍କର ବୟସ ପୁତ୍ରର ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ବୟସରେ ଆମେ 3 ଗୁଣିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ତାପରେ ଆକୁ ତମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ, ତ ଆମେ ଏବେ ସମାଧାନ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟାକି x+5=3କୁ ଏଥିରେ ଗୁଣି ଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଇଯିବ 3y+15। ତ ତାପରେ ଆମର 3y+15 କି ଏପଟକୁ ନେଇଆସ, ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x+5-3y-15=0। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x-3y-3y 5-15 ହେଉଛି -10=0। ତ ଏଇଟା ଆମର ବାହାରିଗଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ବାହାରିଗଲା। ତ ତାପରେ ଲେଖ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ, ପୁଣି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ତ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଇଛି ଯେ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପିତାର ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 7 ଗୁଣ ଥିଲା। ଏଠି ଆମକୁ ଦେଇଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପୁଣି ଆମେ ଏକ୍ସରେ 5 ଫେଡ଼ିବା, ତ ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ 5 ଫେଡ଼, କାହିଁକି ନା 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସରେ 5 ଫେଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ବୟସ ବାହାରିଲା। କାହାର? ଏଇଟା ପିତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୟସ ହେଉଛି ଆମର x-5। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯେ ପୁତ୍ର ବୟସର 7 ଗୁଣ ଥିଲା, ତାହେଲେ ପୁତ୍ରର 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୟସ କେତେ ଥିଲା? y-5 ଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଇଛି 7 ଗୁଣ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଦେଇଛି 7 ଗୁଣ ଥିଲା, ଆମର ଏଠି 7 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ, x-5=0 କ'ଣ? 7y, 7କୁ -5ରେ ଗୁଣିଲେ -35। ତ ତାପରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକୁ ସବୁ ଏପଟକୁ ନେଇଆସ, x-5-7y+35 ହେଇଯିବ। 7y ଏପଟକୁ ଆସିଲା, -7y ହେଇଗଲା, -35 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା, ତ =0। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ x-7y ଲେଖିଦିଅ, ଯେଉଁଟାକି x-7y-5+35 ଯେ କେତେ ଆମର +30, ତ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ +30=0। ତ ଏଇଟା ଆମର =2। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ =1 ଆଉ 2କୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ, ଆମେ ଏବେ =1 ଆଉ 2କୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଠି ବି ଏକ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଆମର ଗୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସହଗ ସମାନ ଅଛି, ତ କେବଳ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ x-3y-10=0। ତାପରେ x-7y+30=0। ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ବିୟୋଗ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ବିୟୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ମାଇନସ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମାଇନସ୍, ତ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କ୍ୟାନସେଲ୍, -3y+7y ଯେ ଆମର ହେଉଛି 4y। ତାପରେ -10-30 ହେଉଛି -40, ତ =0। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ 4y=0 କେତେ ହେବ? -40 ଏପଟକୁ ଆସିଲେ +40 ହେଇଯିବ, ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ y=0 ଆମର ବାହାରିଲା 40/4 ଯେ ଆମର ବାହାରିଲା 10। ତାହେଲେ ୱାଇ ଆମର 10 ବାହାରିଗଲା, ମାନେ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱାଇ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ୱାଇ ଯେହେତୁ 10 ବାହାରିଲା, ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆମର 10 ବର୍ଷ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ କେଉଁଥିରେ ପକାଇବା? 1ରେ ପକାଇଦିଅ, =1। ତ ସେଇଟା ଲେଖିଦିଅ ୱାଇର ମାନ =1 ବା ସମୀକରଣ 1ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁକୁ =1ରେ ପକାଇଦେବା। ତ ଲେଖ x-3y, ମାନେ 3×y ଜାଗାରେ 10 ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ -10=0। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x-30-10=0। ତ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x-40=0। ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା ତମର କେତେ? ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା 40। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ବାହାରିଲା 40, ୱାଇ ବାହାରିଥିଲା 10, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ହେଉଛି ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ। ତାହେଲେ ଏବେ ଅତେବ ଲେଖିଦେବ, ଅତେବ ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି କେତେ? 40 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି 10 ବର୍ଷ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ 17 ନମ୍ବର? ତ ତାପରେ ଆମେ 18 ନମ୍ବର କରିବା।
तापरे 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन देइजे जे गोटिए आयतक्षेत्र दैर्घ्य 2 मीटर अधिक और प्रस्थ 2 मीटर कम हेले क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कमी जाउची। मात्र दैर्घ्य 1 मीटर कम और प्रस्थ 2 मीटर अधिक हेले क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ी जाए। ताहले पचारछि जे मूल आयतक्षेत्र क्षेत्रफल स्थिर कर, ताहले आमे एटे क्षेत्रफल दैर्घ्य आ प्रस्थ को एक्स नै जेबा मन कर, तो सेटा लिखि दियो मन कर आयत क्षेत्रर दैर्घ्य को आम नहीं जावा एक्स आउ प्रस्थ को नहीं जावा वाई। तो आयत क्षेत्रर दैर्घ्य समान एक्स मीटर ओ प्रस्थ समान वाई मीटर। ताहले क्षेत्रफल केते हम, क्षेत्रफल आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल सूत्र कौन, दैर्घ्य गुणन प्रस्थ। ताहले क्षेत्रफल हो जावा हमर केते एक्स वाई वर्ग मीटर हो बुझिपारे। आमको जहाँ प्रश्न दे तो आम से अनुसार लिखिजा, ताले देख लिख प्रश्नानुसार कौन देखो प्रश्न आयत क्षेत्र दैर्घ्य 2 मीटर अधिक, ताले दैर्घ्य हमर एक्स माने एक्स 2 मीटर एक्सटारे जदि आम 2 आड करवा तो कौन हम एक्स प्लस 2 हो अधिक माने आम जोग करवा कि ना एक्स रे 2 ताले एक्स रे 2 आम मिसेले आमर है एक्स प्लस 2। तापर देखे प्रस्थ 2 मीटर कम, प्रस्थ 2 मीटर कम माने वाई ठारु 2 मीटर कम, ताले वाई माइनस 2 तापर इक्वाल टू दे क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कमी जाए। क्षेत्रफल आमर बाहर एक्स वाई, तो एक्स वाई रु 28 कमिजी, कमी कि ना यहाँ आम दैर्घ्य हो गला, यहाँ प्रस्थ हो गला, दैर्घ्य गुणन प्रस्थ आम क्षेत्रफल। ताहले एटा को आम एबे समाधान करदेबा, एथरु आमर इक्वेशन बाहर जीव, तो इम्प्लाइज दैट आपको एवं गुणी दिया एक्स प्लस 2 होल इन टू वाई माइनस 2 को आम समाधान करदेबा, तो एक्स होल इन टू वाई माइनस 2 तापर प्लस 2 होल इन टू वाई माइनस 2 इक्वाल टू एक्स वाई माइनस 28। तो इम्प्लाइज दैट एक्स इंटु वाई जे एक्स वाई, एक्स इंटु माइनस 2 जे माइनस 2 एक्स, तापर 2 इंटु वाई जे के 2 वाई, तापर 2 इंटु माइनस 2 जे के माइनस 4, तापर इक्वाल टू एक्स वाई जहाँ से लिखी दि एक्स वाई माइनस 28। बुझिपारल, ताहले देख इम्प्लाइज दैट एपटे अच्छे हमर एक्स वाई, एपटे भी अच्छे हमर एक्स वाई, तो एक्स वाई कटिज। तापर देख माइनस 2x प्लस 2y सेमती रहइब, माइनस 4 माइनस 28 को एपट को नहीं आस जोटा कि आमर हो प्लस 28, तो इक्वाल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट माइनस 2x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 28 जे के आमर हूँ प्लस 24, तो सेटा लिखि दिया माइनस 4 प्लस 28 हूँ आमर प्लस 24, तो इक्वाल टू 0। ताले एटा आमर गोटे इक्वेशन बाहरी गला, तो एटा को दे दिया इक्वेशन 1। तापर पुणी आमको कौन प्रश्न देटा देखा, तो सेटा लिखि दिया पुनश्च प्रश्नानुसार, लिख पुनश्च प्रश्नानुसार। ताहले देखो पुणी कौन आमको क्वेश्चन पुणी दे मात्र दैर्घ्य 1 मीटर कम, माने दैर्घ्य 1 मीटर कम माने एक्स ठार 1 मीटर कम, तो सेटा लिखि दियो एक्स माइनस 1 हो। तापर कौन दे प्रस्थ 2 मीटर अधिक माने वाई प्लस 2 इक्वल टू क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ी जाए, माने एक्स वाई प्लस 33 हो। ताहले आपको एबे समाधान कर दियो, तो एक्स होल इंटू वाई प्लस 2 तापर माइनस 1 होल इंटू वाई प्लस 2 इक्वाल टू कौन एक्स वाई प्लस 33। बुझिपारच, ताहले तापर आपको आमर एक्स इंटू वाई जे केते एक्स वाई, एक्स इंटू 2 जे एक्स इंटू 2 जे केते 2x, माइनस 1 इंटू वाई जे माइनस वाई, माइनस 1 इंटू 2 जे माइनस 2, एटा माइनस 2 तापर इक्वाल टू एक्स वाई प्लस 33। ताहले एक्स वाई आमर कटिजी, तो तापर स्टेप तुम करपर कि ना देख 2x को 2x रख, 2x माइनस वाई कि नहीं माइनस वाई अच्छी, तापर माइनस 2 33 को एपट को नहीं आस जोटा कि कौन हम माइनस 33 हो, तो इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 2x माइनस वाई यहाँ हो माइनस 35।
फाइव इक्वाल टू जीरो माइनस टू माइनस थर्टी थ्री जे के माइनस थर्टी फाइव तो यहाँ आमर हो गला इक्वेशन टू तेल एवं इक्वेशन वन आउ टू को समाधान कर किसी भी आमर गुणवा दरकार ना ये अच्छी टू ये अच्छे टू आम कटिज ये अच्छे माइनस टू ये अच्छे टू मानने जोग करदे कटिज तो सहीटा केवल लिखिदि जोटा कि इक्वेशन वन प्रथम लिखिदि माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी फोर इक्वाल टू जीरो इक्वेशन टू लिखिदि टू एक्स माइनस वाई माइनस थर्टी फाइव इक्वाल टू जीरो तो यहाँ आमर कौन हम यहाँ आम जोग हम तो लिखिदि जोग कले तेल जोग कले मैंने यहाँ कटिगला माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कटिगला टू वाई माइनस वाई जे आम खाली वाई तापर ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी फाइव जो के माइनस थर्टी फाइव रु ट्वेंटी फोर फेड़ दि फाइव रु फोर गले वन थ्री रु टू गले वन तो माइनस इलेवेन हम तो इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट वाई बाहर के वाई बाहर माइनस इलेवेन सेपट को पड़े इलेवेन बाहर जाए वाई रैल्यू को आम एवं कौन पकेबा इक्वेशन वन पकई दि तो सैटा लिख वाई मान इक्वेशन वन प्रयोग कले लिख वाई मान इक्वेशन वन प्रयोग कले लिख तेल देख माइनस टू एक्स प्लस टू वाई प्लस ट्वेंटी फोर इक्वाल टू जीरो यहाँ हूँ इक्वेशन वन तो वाई जगार इलेवेन पकई दि तो लिख माइनस टू एक्स प्लस टू इंटू इलेवेन जे के ट्वेंटी टू हम कि ना देख टू इंटु देख तुम एमती न लिखिके लिख टू इंटु इलेवेन ना कन्फ्यूज हम लिख टू इंटु इलेवेन जोटा कि टू को टू लिख लाई जगार इलेवेन रहा प्लस ट्वेंटी फोर इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लायज दैट माइनस टू एक्स एटा के प्लस ट्वेंटी टू हो प्लस ट्वेंटी फोर इक्वाल टू जीरो एम एक्स रैल्यू आम बाहर पार कि ना तो एवं मुझे एपट सैड लिभे दूसरी जोटा कि भावुँ तुम कर सारे एपट तो एपट सैड मुझ लिभे दूसरी देख ता पर स्टेप आम ये करनाबा तो देख आ पर स्टेप जोटा कि आमर आउ दुईटी कि तीनोटी ही मात्र स्टेप अच्छी तुम अलमोस्ट भी कम्प्लीट हो गला ही तेल देख माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर तो इम्प्लायज दैट माइनस टू एक्स प्लस ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी फोर जे के हम टू प्लस फोर जे आम सिक्स टू प्लस टू जे फोर तो इक्वाल टू जीरो हम तो इम्प्लायज दैट कौन हम माइनस टू एक्स इक्वाल टू फोर्टी सिक्स एपटक आसे माइनस फोर्टी सिक्स हो बुझीपार्च कि नहीं तो माइनस माइनस कैनसल होगा तो इम्प्लायज दैट एक्स के बाहर फोर्टी सिक्स बाय टू जोटा कि फोर्टी सिक्स बाय टू जे आम के ट्वेंटी थ्री तो फोर्टी सिक्स बाय टू आम बाहर ट्वेंटी थ्री तेल एवं क्षेत्रफल बाहर बाहरी पार जोटा कि आमको पचार मूल आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल तो आम लिखिद ये आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल सामान तो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल आम एक्स वाई आम बाहर करते तो आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल सामान एक्स वाई तो इक्वाल टू एक्स रैल्यू के ट्वेंटी थ्री इंटू वाई रैल्यू आम इलेवेन बाहर तो ट्वेंटी थ्री इंटु इलेवेन ट्वेंटी थ्री को इलेवेन तुम गुणीदेव ट्वेंटी थ्री इंटु इलेवेन जे आम बाहर दुईश तेपन वर्ग मीटर बुझिपार समस्ते तो यहाँ ही हूँ तुम आंसर जोटा कि आमको पचार मूल आयत क्षेत्रर क्षेत्रफल जो आमको पचार तुम आंसर तेल समस्ते बुझिपार उन्नीस नंबर क्वेश्चन तुमको देजे पचास को एपरी दुईट संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश कर जेपरिक संख्या द्वयर व्युत्क्रमर समष्टि वन बाय ट्वेल्व हम तेल देख आर आम आंसर करवा तेल देख प्रथम आमर जो पचारे संख्या दुईट पचारे संख्या दुईट कौन कौन तेल आम संख्या दुईट को ही एक्स आउ वाई नहीं जावा मन कर संख्याद्वय तेल मन कर संख्याद्वय संख्याद्वय आम नहीं कौन मन कर संख्याद्वय आम नहीं एक्स ओ वाई नहीं तेल एवं देख आमको दे पचास को एपरी दुईट संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश कर माने आम संख्या दुईट को नहींगले एक्स आउ वाई तेल आम लिखिपर प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फिफ्टी लिखिपर कहीं आमको प्रश्न से पचास को एपरी दुईट संख्यार समष्टि रूपे प्रकाश कर आम तो दुईट संख्या को कौन नहींगले एक्स आउ वाई नहींगले तेल आम लिखिपर जे प्रश्नानुसार एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फिफ्टी बोली लिखिपर तो यहाँ को दे दिए इक्वेशन वन देदे आमर इक्वेशन वन बाहरी गला तो आम कौन करमक पुणी क्वेश्चन देजे जेपरिक संख्या द्वयर व्युत्क्रमर समष्टि वन बाय ट्वेल्व हम
ताहले व्युत्क्रम माने कौन माने एक्स र्युत्क्रम हूँ आम वन बै एक्स वाई र्युत्क्रम हूँ वन बै वाई तो सेटा लिखि दियो एक्स ओ वाई र्युत्क्रम कौन कौन एक्स र्युत्क्रम हूँ कौन वन बै एक्स आ वाई र्युत्क्रम हूँ वन बै वाई तो सेटा लिखि दियो एक्स ओ वाई र्युत्क्रम सामान वन बै एक्स ओ वन बै वाई ताहले तापरे हमको जहाँ दे प्रश्न रे तो से अनुसार आम प्रश्न अनुसार लिखिकी इक्वेशन बाहर कर पार तो ये लिख पुनश्च प्रश्न अनुसार पुनश्च प्रश्न अनुसार ताहले दे संख्या द्वयर व्युत्क्रम समष्टि माने ए दुईटी की समष्टि तो वन बै एक्स प्लस वन बै वाई इक्वाल टू आम बाहर लगे तो वन बै ट्वेल्व जोटा कि आमको क्वेश्चन देखिए तो आम एटा को समाधान कर पारा जो वन बै एक्स प्लस वन बै वाई इक्वाल टू वन बै ट्वेल्व यटा को समाधान कर दि तो तले आम लस आगे गला केक्स वाई उपर एपटे होते वाई एपटे होक्स तो आमर हो गला यहाँ वन बै ट्वेल्व तो यहाँ को आम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पारा तो ट्वेल्व को वाई प्लस एक्स गुणी दि तो इम्प्लाइज दैट ट्वेल्व होल इंटू वाई प्लस एक्स इक्वाल टू एक्स वाई की वन गुणी दि जोटा कि आम एक्स वाई तो इम्प्लाइज दैट देख ये आम ट्वेल्व को ट्वेल्व रखिद ये जो वाई प्लस एक्स जगार आम ये जो एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फिफ्टी आम बाहर इक्वेशन वन तो ये एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स एका कथा आमर ताल ये जो एक्स प्लस वाई जगार आम फिफ्टी पकई पारा कहीं एक्स प्लस वाई रैल्यू आम फिफ्टी बाहर तो आ जगार आम फिफ्टी पकईदे तेल ट्वेल्व इंटू फिफ्टी इक्वाल टू एक्स वाई होगा तो इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वाल टू के ट्वेल्व को फिफ्टी गुणी देव जोटा कि तुम हम छःश ताल आम एक्स वाई बाहरीगला के एक्स वाई बाहरीगला छःश ताल आम गोटे फर्मूला जाचे तुम फर्मूला मन अच्छे कि ना आम गोटे फर्मूला जाचे जे जोटा कौन जाचे एक्स माइनस वाई इक्वाल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई ए फर्मूलाटा तुम पढ़ीच जोटा कि एक्स माइनस वाई फर्मूला तेल ये फर्मूलें आम सब एवं भैल्यू पुट करदे ताहले देख ए फर्मूलें मुझे ये सब भैल्यू पुट करदे जोटा कि देख इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इक्वाल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर माने एक्स प्लस वाई भैल्यू के फिफ्टी तो फिफ्टी स्क्वायर तापरे माइनस फोर एक्स वाई माने फोर इंटू सिक्स हंड्रेड एक्स वाई जगार एक्स वाई भैल्यू पुट कर दि तो से लिखि दि फोर इंटू सिक्स हंड्रेड तापरे पुणी आंकर सब रुट ओवर तो रुट ओवर दब ताले तापरे समाधान कर दि एक्स माइनस वाई इक्वाल टू पचास स्क्वायर के जोटा कि आम पचीस चार को छह गुणब हम के जोटा कि तुम हम के हम चबीस हम ताले तार रुट ओवर तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई आम बाहर के बाहर हंड्रेड रुट ओवर जोटा कि आम बाहर टेन तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई आम बाहर के जोटा कि टेन बाहर तो यहाँ को दे दियो इक्वेशन टू दे दियो ताहले आम इक्वेशन वन आउ टू को समाधान कर पारा तो सेटा लिखि दि एक्स प्लस वाई इक्वाल टू फिफ्टी तापरे एक्स माइनस वाई इक्वाल टू टेन ताहले आपको आम जोग करदे तो लिखिदि जोग कले ताहले जोग कले आम कौन वाई माइनस वाई कटिगला तो एक्स प्लस एक्स जे आम टू एक्स इक्वाल टू फिफ्टी टेन मिसले आम सिक्सटी तो इम्प्लाइज दैट एक्स बाहर के सिक्सटी बै टू इक्वाल टू थर्टी बाहर तेल एक्स रैल्यू आम पाईगले जोटा कि थर्टी ताल एक्स रैल्यू को इक्वेशन वन पकई दि तो सेटा लिख एक्स रान इक्वेशन वन प्रयोग कले लिख एक्स रान इक्वेशन वन प्रयोग कले तो एक्स रान को इक्वेशन वन पकई दि तो थर्टी प्लस वाई इक्वाल टू फिफ्टी तो इम्प्लाइज दैट वाई इक्वाल टू के बाहर फिफ्टी थर्टी को एपट को नहीं आस फिफ्टी पाख को तो माइनस थर्टी हो तो फिफ्टी माइनस थर्टी जे के जोटा कि हूँ आम ट्वेंटी ताल वाई बाहरी गला आम ट्वेंटी एक्स बाहर थर्टी ताल आम से ही मन कर नहीं जोटा कि एक्स आउ वाई नहीं तो आम संख्या दुईट कौन बाहर संख्या दुईट बाहर कौन तीस ओ कोड़े तो यहाँ हूँ तुम आंसर ताल समस्ते बुझीपार जोटा कि तुम बहुत सहज केवल आम संख्या दय नहीं गले से इक्वेशन बाहर करदे इक्वेशन को समाधान करदे जो थी कि आम एक्स आउ वाई भैल्यू आम पाईले समस्ते बुझीपार आउ या जन जन बुझीपारती व्युत्क्रम कौन व्युत्क्रम हूँ जमीक आम जाचे कौन गुणना गुणात्मक विलोमी कौन एक्स रुणात्मक विलोमी वन बै एक्स वाई रुणात्मक विलोमी वन बै वाई व्युत्क्रम भी से तुम एक्स र्युत्क्रम हूँ वन बै एक्स वाई र्युत्क्रम हूँ वन बै वाई
बुझिपारल त तापरे मु भाबुचे तमे आउ सब बुझि पारथिबो इक्वेशन 1 त तमर बाहर करबा बहुत सहज इक्वेशन 2 टा तमको बाहर करया पई टिके कष्ट हबो तमे प्रैक्टिस कर देले तमे भी मध्ये बाहर करि परबो केवल ए जो एक्स वाई रा वैल्यू आमे एठी पकेले एक्स वाई आउ एक्स प्लस वाई रा वैल्यू आमे ए जो फार्मूला रे पकेले तमको केवल ए फार्मूला टा मु भाबुचे तमे मन रखिथिबा तमे प्रीवियस क्लास रे भी पढ़िथिबो ए फार्मूला तहले ए फार्मूला केवल तापरे एक्स प्लस वाई रा वैल्यू आउ एक्स वाई रा वैल्यू फार्मूला रे पुट करबो फार्मूला रे पुट करले तमर इक्वेशन 2 बाहरी गला तापरे इक्वेशन 1 आउ 2 को आमे जेमती समाधान करी थाए तो सेमती समाधान कर देबा तो तापरे सेथिरु आमे एक्स रा वैल्यू पाई गले एक्स रा वैल्यू को इक्वेशन 1 रे तापरे पकेलो कोन बाहरला वाई रा वैल्यू मिली गला बुझी पारला समस्ते तो तापरे आमे कोन करबा 20 नंबर कर नबा तो 20 नंबर तमर लास्ट तो 20 नंबर कर नेले तमर कोन अनुशीलनी 1 सी कंप्लीट हे जिवो ता सहित तमर सरल सह समीकरण चैप्टर भी कंप्लीट हे जिवो तो 20 नंबर कर नबा तो तापरे 20 नंबर क्वेश्चन देखो 20 नंबर क्वेश्चन तमको दे छि जे गोटिए भग्न संख्या रा लब आ हर को जोग करी जोगफल रा एक तृतीयांश नेले ता हर ठारो 4 गुणा हुए क्वेश्चन बुझी पारछ माने दे छि जे गोटे भग्न संख्या रा आमे कोन करबा ना लब आउ हर को जोग करके से जोग फल 1/3 अंश नबा माने एक तृतीयांश नबा नेले कौन हम ता हर ठार 4 कम हम माने 4 उणा हम एटा गोटे तमर देछि आउ गोटे देछि जे हर रे 1 जोग करी भग्न संख्या टी को लघिष्ट आकार रे लेखिले ताहा कौन हम ताहा हम तमर 1/4 हम ताहले पचार जे हमर भग्न संख्या टी केते हम ताहले आमे कौन करबा ना भग्न संख्या टी को कौन नै जिबा x/y नै जिबा माने लब को नहीं जीवा एक्स आउ हर को नहीं जीवा वाई बुझ पार्छ ताहले सेटा लेखि दिया मने कर कौन लेखिबा मने कर भग्न संख्याटीर लब को आमे केते नबा लब को नहीं जीवा एक्स नहीं जीवा तो सेटा लेखि दिया लब समान एक्स तापरे हर को केते नबा हर को नहीं जीवा हमर वाई नहीं जीवा ताहले एबे मते कुह भग्नांशटी केते हबो भग्नांशटी एक्स बाय वाई हिजबो त सेटा लिखि दियो भग्नांशटी केते हबो लब जेतु एक्स हर जेतु वाई एमे नेले भग्नांशटी हमर हिजबो एक्स बाय वाई बुझि पारला इतिकि त तापरे हमकु जहा प्रश्न रे देइछि त आमे सेही अनुसार लिखि जिबा त सेटा लेख प्रश्नानुसारे देखि जे गोटिए भग्न संख्यार लब आउ हर को जोग करी माने एक्स आउ वाई की जोग हम तो प्रथमे जोग कर दियो जोटा कि एक्स प्लस वाई बुझिपारल तापर दे जोग फल एक तृतीयांश माने के 1/3 अंश ताल एक्स प्लस वाई र 1/3 अंश माने ये आम लिखा 1/3 होल इंटू एक्स प्लस वाई बुझिपारच तापर दे ने कौन हम ता हर ठार 4 उणा हम माने हर आमर के वाई माने वाई ठार कौन वाई ठार 4 उणा हम माने वाई ठार 4 कम हम तो यहाँ लिखिदे वाई ठार 4 कम माने कौन वाई -4 बुझिपारल एटा तो तापरे आकु समाधान करदेबा समाधान कले हमर कौन बाहर इक्वेशन 1 बाहर जीव तो एबे आमे समाधान करदेबा तो 1/3 होल इंटू जो एक्स प्लस वाई अच्छी आमे 1/3 आ संगे जो गुणी होकर अच्छी आम एटा एपट को नहीं आसवा बुझिपारच तो एपट को आसले कौन हो 3 हो 3टा वाई -4 रे गुणी हो तो सेटा लिखिदि एक्स प्लस वाई इक्वाल टू एपट को आसले 3 होल इंटू वाई -4 हो कि ना केमी 3 है बुझिपार्च कि ना देख यमर जो 1/3 अच्छी एपट आ सागे यहाँ गुणा होगी तो एपट को आसे कौन हम हरा हम तो देख वाई -4 सागे आम जब 1/3 की हरिया तो 1/3 को आम गुणिले कौन हम तो इक्वाल टू वाई -4 इंटु 1/3 गुणा हम माने ओल्टी जीव 3/1 हो तो 3/1 जहाँ आमर 3 से तो आपको आम लिखिपर कौन वाई -4 होल इंटु 3 बोली लिखिपर कि ना तो सहीटा मुझे लिखिली जोटा कि 3 होल इंटु वाई -4 बुझिपारल कौटू 3 आसला ना ये भी बहुत पिला कन्फ्यूज हो जाती जे यहाँ 3 कौटू आसला बुझिपारल 3 कौटू आसला ताले तापरे ये जो 3 को वाई आउ -4 रे गुणी दियो तो इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इक्वाल टू 3y -12 हो तो इक्वाल तापरे इम्प्लाइज दैट आपको सब एपट को नहीं आस तो एक्स प्लस वाई -3y हो 3y एपट को आसे -3y हो -12 एपट को आसे कौन हम +12 हो तो इक्वाल टू 0
तो इम्प्लाइज दैट एक्स वाई माइनस थ्री वाई जे के माइनस टू वाई हम तो एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इक्वाल टू जीरो तो यहाँ आम कौन बाहर यहाँ बाहर इक्वेशन वन तो इक्वेशन वन तो आम बाहरी गला तो तापरे आमको जहाँ क्वेश्चन देखिए आम पुणी इक्वेशन बाहर करवा जोटा कि कौन देमको हर रे एक जोग कर भग्न संख्याटी को लघिष्ठ आकार रे लेखिले कौन हम ता वन बाय फोर हम ताल आमको देखिए हर रे एक जोग हम माने हर रे देख लेख पुनश्च पुनश्च प्रश्न अनुसार ताहले पुणी आमको जहाँ प्रश्न देती तो से अनुसार आम इक्वेशन बाहर करना देती हर रे एक जोग हम माने लब रे तो किसी जोग हेनी तो लब सेमती आम उपर रोटा कि एक्स बाय हर रे केवल जोग हम केते जोग हम वन जोग हम तो हर रे वन जोग कर दि जोटा कि वाई प्लस वन होपर दे लघिष्ठ आकार लिखिले के वन बाय फोर हम तो इक्वाल टू वन बाय फोर तो आपको एवं समाधान कर दि तो इम्प्लाइज दैट एक्स को फोर रे गुण जोटा कि आम फोर एक्स इक्वाल टू वाई प्लस वन को वन गुणिले से ही वाई प्लस वन बुझिपार तो इम्प्लाइज दैट फोर एक्स एपटे रखिकी वाई प्लस वन को एपटे जो अच्छे सेपट को नहीं आसवा तो फोर एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वाल टू जीरो हम कि ना एपटे वाई प्लस वन एपटक आसने सब माइनस हो माइनस वाई माइनस वन इक्वाल टू जीरो तो यहीटा को दे दि आमर कौन दब इक्वेशन टू दे दि ताल एम इक्वेशन वन आउ टू को समाधान कर देख एबे आमे इक्वेशन वन आउ टू को समाधान करदे ताहले देख ये आमर वाई रहग अच्छी माइनस टू ये आमर माइनस वन अच्छे किसी ना मैंने माइनस वन अच्छे एमें गोटे टू गुणीदा टू गुणिले वाई रहग सामान इक्वेशन वन को सेमती रख कि गुणवा दरकार नहीं तो सेटा लिखिद वन इंटू इक्वेशन वन तो इम्प्लाइज दैट जहाँ को से रोटा कि एक्स माइनस टू वाई प्लस ट्वेल्व इक्वाल टू जीरो तापर एमें टू गुणीबा तो सेटा लिख टू इंटु इक्वेशन टू तो इम्प्लाइज ता टू गुणी दि फोर एक्स टू गुणिले के एट एक्स हम तापर टू गुणिले माइनस टू वाई माइनस वन टू गुणिले माइनस टू इक्वाल टू जीरो ताको आम कौन करोग कहीं वियोग कले आम साइन चेंज हम ये टू वाई कटिजी तो लिख वियोग कले ये हम आम माइनस ये माइनस अच्छी प्लस होठी भी माइनस अच्छी प्लस हो माइनस टू वाई प्लस टू वाई कौन हम कैनसल हो एक्स रु एट एक्स फेड़े के माइनस सेभेन एक्स हम ताप जो आम ट्वेल्व प्लस टू के हम प्लस फोर्टीन इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट माइनस सेभेन एक्स के बाहर फोर्टीन एपटक पलैस जोटा कि माइनस फोर्टीन हो बुझिपे माइनस एपटे माइनस कौन है कैनसल हो गला तो इम्प्लाइज दैट एक्स के बाहर फोर्टीन बाय सेभेन हम एक्स सागे सेभेन गुणी हो ना एपटक आसे हरी हो गला तो फोर्टीन बै सेभेन जे आम बाहर टू बाहर तेल एक्स रैल्यू आमर टू बाहरी गला एवं आम एक्स रैल्यू को कौन पकेबा इक्वेशन वन पकई दि पकड़े वाई बाहर जब तो सेटा लेख एक्स रान इक्वेशन बा समीकरण वन जहाँ भी लिखिपार तो इक्वेशन वन प्रयोग कले ताल एम एक्स रैल्यू को इक्वेशन वन पकईदे तेल एक्स माइनस टू वाई मान टू लिखिद एक्स जगार टू पकईदि तो टू माइनस टू वाई तापरे कौन प्लस ट्वेल्व इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट टू प्लस ट्वेल्व जे के फोर्टीन तो लेख से माइनस टू वाई प्लस फोर्टीन इक्वाल टू जीरो तो इम्प्लाइज दैट माइनस टू वाई के बाहर फोर्टीन एपटक पलैस जोटा कि माइनस फोर्टीन हो गला तो माइनस माइनस कैनसल वाई के बाहर वाई इक्वाल टू फोर्टीन बै टू वाई सागे टू गुणी अच्छे तो इपटक आसे कौन हम हरी गला तो फोर्टीन बै टू जे आम के बाहर सेभेन बाहर तो वाई बाहर सेभेन एक्स बाहर था टू ताल आम जो नहीं लब एक्स आउ हर वाई ताल आम भग्नांशटी के तापर लिख भग्नांशटी सामान भग्नांशटी आम कौन एक्स बै वाई तो एक्स बै वाई इक्वाल टू एक्स रैल्यू आमर के टू वाई रैल्यू सेभेन ताल यहाँ हूँ तुम कौन यहाँ हूँ आंसर जोटा कि भग्नांशटी आम बाहर टू बाय सेवेन अतेप्रे लिख अतेप भग्न संख्याटी जो भग्न संख्याटी के बाहर टू बाय सेवेन बाहर
ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ 20 ନମ୍ବର? ଏଇଟା ତମର ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ। ତମର ଅନୁଶୀଳନୀ 1 ସି ର ଯେତେ ବି ସବୁ ଆମେ ମ୍ୟାଥ୍ କଲେ ସବୁଯାକ ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ସବୁ ତମର ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, ତମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ତମର ଆଉ ଭୁଲ ହେବନି। କେଉଁଟା କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି ତମର ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମର ଅନୁଶୀଳନୀ 1 ସି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତା ସହିତ ତମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସରଳ ସହସମୀକରଣ ଚାପ୍ଟର ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଅନୁଶୀଳନୀ 1A, 1B, 1C ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଯଦି ବି କାହାର କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ପଚାରିପାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ଆମର ଜଏନ୍ ହୋଇପାର। ଜଏନ୍ ହୋଇକି ବି ତମେ ତମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।